आज एक और रोमांटिक मूवी के बारे में दोस्तों बात करेंगे जिसका क्लिप शायद आप लोगों ने कभी न कभी देखा ही होगा और आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसकी वजह भी शायद कोई रील्स या फिर कोई क्लिप हो सकती है चलिए मैं आपको फ़िल्म के बारे में बताता हूँ कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो बताऊँगा ही साथ ही में क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फ़िल्म दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है और मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टार कास्टिंग भी देखने को मिलती है अगर फिल्म की रेटिंग की बात करें तो जो आई है वहाँ पर टैन आउट ऑफ लगभग सिक्स की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इस मूवी को फिफ्टी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक भी किया हुआ है और जो रोट एंड टमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छे लाइक मिले हुए हैं ये मूवी दोस्तों ऑफिशियल रीमेक है सेवन जी रैमबो कॉलोनी का जो कि एक बढ़िया फ़िल्म रही थी और दर्शकों को वो मूवी काफ़ी पसंद भी आई थी आप में से बहुत लोगों ने शायद उस फिल्म को देखा होगा क्योंकि वो YouTube पर भी अवेलेबल है लेकिन उसका हिंदी वर्जन आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोगों को जो है इसका हिंदी वर्जन देखना है तो आपको इसका रीमेक वर्ज़न यानी कि मलाल देखना पड़ेगा मलाल जो कि 2019 की रोमांस एक्शन बेस्ड मूवी है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और 16 मिनट का है ये मूवी आपको शुरू से लेकर एंड तक तो बांधे रखती है लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे पल हैं जो कि बार बार देखने के लिए मजबूर करते हैं कई बार दोस्तों हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसके हाव भाव लुक से हम जज कर लेते हैं कि ये अनपढ़ गवार होगा इसके पास दिमाग नहीं होगा लेकिन कई बार इसका उल्टा भी हो सकता है जैसा हम सोचते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है वो इंसान या तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान जेंटलमैन निकलता है या तो वो सच में पैसे वाला निकलता है खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में तो अगर दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये काफ़ी जगह पर आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी लेकिन आप इसे ऑफिशियली देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे जी हाँ दोस्तों ये जो फ़िल्म है वो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर मिल जाएगी वो भी बेहद ही अच्छी क्वालिटी में आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मगनेश हड़वाले हैं अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो बॉलीवुड में पहले भी कुछ मूवी दे रखी है लेकिन वो इनकी जो है इतनी कामयाब नहीं रही है लेकिन जो मलाल मूवी है वो काफ़ी जो है वो प्रचलित मूवी उनकी है हालांकि इन्हें जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्होंने बहुत सी मूवीज़ पहले बना रखी है जिनके लिए इन्हें अवार्ड भी काफ़ी मिले हुए हैं जैसे कि इनकी एक मूवी थी चलो जीते हैं दो थर थर की वो फ़िल्म थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था इसके अलावा तिंग्या तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के लिए इन्होंने जो है वो अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनकी कुछ मूवीज़ आपको यूट्यूब पर शायद देखने को मिल जाएंगी तो वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसमें दोस्तों कोई भी शक नहीं है और मराल मूवी भी दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी डायरेक्ट की है दुर्भाग्य से ये मूवी दोस्तों वैसे फ्लॉप रही है लेकिन फिर भी ये मूवी दोस्तों देखने लायक है फिल्म के अंदर आपको मिजन जाफरी शरविन सैगल प्राची कदम इसवक सिंह चिमाई सर्वे सोनल जहा राधा सागर बद्री चवन नंदू इसके अलावा संजय गुरबक्सी सुनील तावड़े कोमल चाबरिया समीर दीपक दामिनी भरत पहुजा ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और सबका काम दोस्तों वैसे तो काफी बढ़िया है आपको ये कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं ये जो फिल्म थी वो दोस्तों वैसे तो, वैसे तो हिंदी के अंदर रिलीज़ हुई थी लेकिन जो इसका पहले वाला वर्ज़न आया था जो ओरिजिनल वर्ज़न था उसे जो तमिल और तेलुगु दो भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल ही है लेकिन अगर आपको मलाल देखना है तो इसके लिए आपको शायद नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ही आपको जो है वो मिल जाएंगी फ़िल्म के अंदर वैसे दोस्तों काफ़ी कुछ आपको दिखाया गया है एक अच्छी कहानी भी आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलती है लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि ये मूवी फ्लॉप हुई वो शायद आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ अच्छी लगती है हो सकता है कि ये मूवी आपके लिए ब्लॉकबस्टर हो वहीं आपके दोस्त के लिए फ्लॉप। तो हर लोगों को अलग अलग तरह की फिल्में अच्छी लगती है तो आप उस हिसाब से जो फैसला कर सकते हैं ऐसी कहानियाँ हम हिंदी फिल्मों में कहीं बार देख चुके होंगे जहाँ पर प्यार के दुश्मन तो अमीरी गरीबी होती है या फिर जात पात होता है और मलाल के अंदर भी आपको चौल में रहने वाले टपोरी और बदमाश लड़के सिवा और वहाँ रहने वाले जो एक नई लड़की आती है आस्था चौधरी इनका जो प्यार है इनके बीच की कहानियाँ आपको दर्शाते हैं साथ ही में उनका जो बैकग्राउंड वो भी काफ़ी दोस्तों बढ़िया आपको दिखाया गया है शिव टेहरा चौल में पला बड़ा जो गुंडे करने वाला लड़का और आस्था जो कि ताल्लुक स्टॉक मार्केट से और ऐसे परिवार से रखती है जिनका पिता काफी अमीर हुआ करता था मगर स्टॉक मार्केट के अंदर घाटा होने के बाद उन्हें जो है चौल में रहने के लिए आना पड़ता है शुरुआत के अंदर सिवा आस्था जो कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं मगर धीरे दिर धीरे फिर इन दोनों के बीच में मासूम और दूसरे की मदद करने वाला स्वभाव भी आ जाता है जहाँ आस्था के घरवाले उसकी मंगनी विदेश से लौटे अमीर लड़के से कर चुके होते हैं सिवा यहाँ पर आस्था को टूटकर चाहने लगता है और वह जो है उसके लिए अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार होता है और वह आस्था के प्यार में अपनी ज़िंदगी की जो दिशा है और दशा है वो दोनों ही बदल देता है मगर तभी उन दोनों के बीच में प्यार का एक ऐसा नया दुश्मन पैदा हो जाता है जिनके आगे दोनों बेबस हो जाते हैं तो आखिरकार उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था ये तो आपको फिल्म के अंदर ही दिखाया गया है तो इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेंगी और अगर आप टी वी पर देखना चाहते हैं तो ये पहले तो सोनी मैक्स में आती थी हो सकता है कि अब वो और कोई टी वी चैनल के ऊपर आती हो आज एक और रोमांटिक मूवी के बारे में दोस्तों बात करेंगे जिसका क्लिप शायद आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा और आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसकी वजह भी शायद कोई रील्स या फिर कोई क्लिप हो सकती है चलिए मैं आपको फिल्म के बारे में बताता हूँ कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो बताऊँगा ही साथ ही में क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फिल्म दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है और मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टार कास्टिंग भी देखने को मिलती है अगर फ़िल्म की रेटिंग की बात करें तो जो आई है वहाँ पर टैन आउट ऑफ लगभग सिक्स की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इस मूवी को फिफ्टी लोगों ने लाइक भी किया हुआ है और जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छे लाइक मिले हुए हैं ये मूवी दोस्तों ऑफिशियल रीमेक है सेवन जी रैमबो कॉलोनी का जो कि एक बढ़िया फ़िल्म रही थी और दर्शकों को वो मूवी काफ़ी पसंद भी आई थी आप में से बहुत लोगों ने शायद उस फिल्म को देखा होगा क्योंकि वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है लेकिन उसका हिंदी वर्जन आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोगों को जो है इसका हिंदी वर्जन देखना है तो आपको इसका रीमेक वर्ज़न यानी कि मलाल देखना पड़ेगा मलाल जो कि 2019 की रोमांस एक्शन बेस्ड मूवी है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और 16 मिनट का है ये मूवी आपको शुरू से लेकर एंड तक तो बांधे रखती है लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे पल हैं जो कि बार बार देखने के लिए मजबूर करते हैं कई बार दोस्तों हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसके हाव भाव लुक से हम जज कर लेते हैं कि अनपढ़ गवार होगा इसके पास दिमाग नहीं होगा लेकिन कहीं बार इसका उल्टा भी हो सकता है जैसा हम सोचते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है वो इंसान या तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान जेंटलमैन निकलता है या तो वो सच में पैसे वाला निकलता है खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में तो अगर दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये काफ़ी जगह पर आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी लेकिन आप इसे ऑफिशियली देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी वो भी बेहद ही अच्छी क्वालिटी में आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मगनेश हड़वाले हैं अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो बॉलीवुड में पहले भी कुछ मूवी दे रखी है लेकिन वो इनकी जो है इतनी कामयाब नहीं रही है लेकिन जो मलाल मूवी है वो काफ़ी जो है वो प्रचलित मूवी उनकी है हालांकि इन्हें जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्होंने बहुत सी मूवीज़ पहले बना रखी है जिनके लिए इन्हें अवार्ड भी काफ़ी मिले हुए हैं जैसे कि इनकी एक मूवी थी चलो जीते हैं 2018 की वो फ़िल्म थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था इसके अलावा तिंग्या तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के लिए इन्होंने जो है वो अवॉर्ड सम्मानित किया गया है और इनकी कुछ मूवीज़ आपको यूट्यूब पर शायद देखने को मिल जाएंगी तो वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसमें दोस्तों कोई भी शक नहीं है और मनाल मूवी भी दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी डायरेक्ट की है दुर्भाग्य से ये मूवी दोस्तों वैसे फ्लॉप रही है लेकिन फिर भी ये मूवी दोस्तों देखने लायक है फिल्म के अंदर आपको मिजन जाफरी सरमिन सैगल प्राची कदम इसवक सिंह चिमाई सरवे सोनल जहा राधा सागर बद्री चवन नंदू इसके अलावा संजय गुरबक्सी, सुनील तावड़े कोमल चाबरिया समीर दीपक दामिनी भरत पहुजा ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और सबका काम दोस्तों वैसे तो काफ़ी बढ़िया है आपको ये कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं ये जो फ़िल्म थी वो दोस्तों वो वैसे तो हिंदी के अंदर रिलीज़ हुई थी लेकिन जो इसका पहले वाला वर्जन आया था जो ओरिजिनल वर्ज़न था उसे जो तमिल और तेलुगु दो भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल ही है लेकिन अगर आपको मलाल देखना है तो इसके लिए आपको शायद नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ही आपको जो है वो मिल जाएंगी फिल्म के अंदर वैसे दोस्तों काफ़ी कुछ आपको दिखाया गया है एक अच्छी कहानी भी आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलती है लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि ये मूवी फ़्लॉप हुई वो शायद आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ अच्छी लगती है हो सकता है कि ये मूवी आपके लिए ब्लॉकबस्टर हो वहीं आपके दोस्त के लिए फ़्लॉप तो हर लोगों को अलग अलग तरह की फिल्में अच्छी लगती है तो आप उस हिसाब से जो फैसला कर सकते हैं ऐसी कहानियाँ हम हिंदी फिल्मों में कई बार देख चुके होंगे जहाँ पर प्यार के दुश्मन तो अमीरी गरीबी होती है या फिर जात पात होता है और मलाल के अंदर भी आपको चौल में रहने वाले टपोरी और बदमाश लड़के शिवा और वहाँ रहने वाले जो एक नई लड़की आती है आस्था चौधरी इनका जो प्यार है इनके बीच की कहानियाँ आपको दर्शाते हैं साथ ही में उनका जो बैकग्राउंड वो भी काफ़ी दोस्तों बढ़िया आपको दिखाया गया है शिव टेहरा चौल में पला बड़ा जो गुंडे करने वाला लड़का और आस्था जो कि ताल्लुक स्टॉक मार्केट से और ऐसे परिवार से रखती है जिनका पिता काफ़ी अमीर हुआ करता था मगर स्टॉक मार्केट के अंदर घाटा होने के बाद उन्हें जो है जॉल में रहने के लिए आना पड़ता है शुरुआत के अंदर सिवा आस्था जो कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं मगर धीरे दिर धीरे फिर इन दोनों के बीच में मासूम और दूसरे की मदद करने वाला स्वभाव भी आ जाता है जहाँ आस्था के घर वाले उसकी मंगनी विदेश से लौटे अमीर लड़के से कर चुके होते हैं सिवा यहाँ पर आस्था को टूट कर चाहने लगता है और वह जो है उसके लिए अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार होता है और वह आस्था के प्यार में अपनी ज़िंदगी की जो दिशा है और दशा है वो दोनों ही बदल देता है मगर तभी उन दोनों के बीच में प्यार का एक ऐसा नया दुश्मन पैदा हो जाता है जिनके आगे दोनों बेबस हो जाते हैं तो आखिरकार उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था ये तो आपको फिल्म के अंदर ही दिखाया गया है तो इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेंगी और अगर आप टी वी पर देखना चाहते हैं तो ये पहले तो सोनी मैक्स में आती थी हो सकता है कि अब और, और कोई टी वी चैनल के ऊपर आती हो आज एक और रोमांटिक मूवी के बारे में दोस्तों बात करेंगे जिसका क्लिप शायद आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा और आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसकी वजह भी शायद कोई रील्स या फिर कोई क्लिप हो सकती है चलिए मैं आपको फिल्म के बारे में बताता हूँ कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो बताऊँगा ही साथ ही में क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फिल्म दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है और मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टार कास्टिंग भी देखने को मिलती है अगर फ़िल्म की रेटिंग की बात करें तो जो आई है वहाँ पर टैन आउट ऑफ लगभग सिक्स की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इस मूवी को फिफ्टी लोगों ने लाइक भी किया हुआ है और जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छे लाइक मिले हुए हैं ये मूवी दोस्तों ऑफिशियल रीमेक है सेवन जी रैमबो कॉलोनी का जो कि एक बढ़िया फ़िल्म रही थी और दर्शकों को वो मूवी काफ़ी पसंद भी आई थी आप में से बहुत लोगों ने शायद उस फिल्म को देखा होगा क्योंकि वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है लेकिन उसका हिंदी वर्जन आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोगों को जो है इसका हिंदी वर्जन देखना है तो आपको इसका रीमेक वर्ज़न यानी कि मलाल देखना पड़ेगा मलाल जो कि 2019 की रोमांस एक्शन बेस्ड मूवी है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और 16 मिनट का है ये मूवी आपको शुरू से लेकर एंड तक तो बांधे रखती है लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे पल हैं जो कि बार बार देखने के लिए मजबूर करते हैं कई बार दोस्तों हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसके हाव भाव लुक से हम जज कर लेते हैं कि अनपढ़ गवार होगा इसके पास दिमाग नहीं होगा लेकिन कहीं बार इसका उल्टा भी हो सकता है जैसा हम सोचते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है वो इंसान या तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान जेंटलमैन निकलता है या तो वो सच में पैसे वाला निकलता है खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में तो अगर दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये काफ़ी जगह पर आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी लेकिन आप इसे ऑफिशियली देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी वो भी बेहद ही अच्छी क्वालिटी में आप नेटफ्लिक्स और इस मूवी को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मगनेश हड़वाले हैं अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो बॉलीवुड में पहले भी कुछ मूवी दे रखी है लेकिन वो इनकी जो है इतनी कामयाब नहीं रही है लेकिन जो मलाल मूवी है वो काफ़ी जो है वो प्रचलित मूवी उनकी है हालांकि इन्हें जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्होंने बहुत सी मूवीज़ पहले बना रखी है जिनके लिए इन्हें अवार्ड भी काफ़ी मिले हुए हैं जैसे कि इनकी एक मूवी थी चलो जीते हैं 2018 की वो फ़िल्म थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था इसके अलावा तिंग्या तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के लिए इन्होंने जो है वो अवॉर्ड सम्मानित किया गया है और इनकी कुछ मूवीज़ आपको यूट्यूब पर शायद देखने को मिल जाएंगी तो वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसमें दोस्तों कोई भी शक नहीं है और मनाल मूवी भी दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी डायरेक्ट की है दुर्भाग्य से ये मूवी दोस्तों वैसे फ्लॉप रही है लेकिन फिर भी ये मूवी दोस्तों देखने लायक है फिल्म के अंदर आपको मिजन जाफरी सरमिन सैगल प्राची कदम इसवक सिंह चिमाई सरवे सोनल जहा राधा सागर बद्री चवन नंदू इसके अलावा संजय गुरबक्सी, सुनील तावड़े कोमल चाबरिया समीर दीपक दामिनी भरत पहुजा ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और सबका काम दोस्तों वैसे तो काफ़ी बढ़िया है आपको ये कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं ये जो फ़िल्म थी वो दोस्तों वो वैसे तो हिंदी के अंदर रिलीज़ हुई थी लेकिन जो इसका पहले वाला वर्जन आया था जो ओरिजिनल वर्ज़न था उसे जो तमिल और तेलुगु दो भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल ही है लेकिन अगर आपको मलाल देखना है तो इसके लिए आपको शायद नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ही आपको जो है वो मिल जाएंगी फिल्म के अंदर वैसे दोस्तों काफ़ी कुछ आपको दिखाया गया है एक अच्छी कहानी भी आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलती है लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि ये मूवी फ़्लॉप हुई वो शायद आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ अच्छी लगती है हो सकता है कि ये मूवी आपके लिए ब्लॉकबस्टर हो वहीं आपके दोस्त के लिए फ़्लॉप तो हर लोगों को अलग अलग तरह की फिल्में अच्छी लगती है तो आप उस हिसाब से जो फैसला कर सकते हैं ऐसी कहानियाँ हम हिंदी फिल्मों में कई बार देख चुके होंगे जहाँ पर प्यार के दुश्मन तो अमीरी गरीबी होती है या फिर जात पात होता है और मलाल के अंदर भी आपको चौल में रहने वाले टपोरी और बदमाश लड़के शिवा और वहाँ रहने वाले जो एक नई लड़की आती है आस्था चौधरी इनका जो प्यार है इनके बीच की कहानियाँ आपको दर्शाते हैं साथ ही में उनका जो बैकग्राउंड वो भी काफ़ी दोस्तों बढ़िया आपको दिखाया गया है शिव टेहरा चौल में पला बड़ा जो गुंडे करने वाला लड़का और आस्था जो कि ताल्लुक स्टॉक मार्केट से और ऐसे परिवार से रखती है जिनका पिता काफ़ी अमीर हुआ करता था मगर स्टॉक मार्केट के अंदर घाटा होने के बाद उन्हें जो है जॉल में रहने के लिए आना पड़ता है शुरुआत के अंदर सिवा आस्था जो कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं मगर धीरे दिर धीरे फिर इन दोनों के बीच में मासूम और दूसरे की मदद करने वाला स्वभाव भी आ जाता है जहाँ आस्था के घर वाले उसकी मंगनी विदेश से लौटे अमीर लड़के से कर चुके होते हैं सिवा यहाँ पर आस्था को टूट कर चाहने लगता है और वह जो है उसके लिए अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार होता है और वह आस्था के प्यार में अपनी ज़िंदगी की जो दिशा है और दशा है वो दोनों ही बदल देता है मगर तभी उन दोनों के बीच में प्यार का एक ऐसा नया दुश्मन पैदा हो जाता है जिनके आगे दोनों बेबस हो जाते हैं तो आखिरकार उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था ये तो आपको फिल्म के अंदर ही दिखाया गया है तो इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेंगी और अगर आप टी वी पर देखना चाहते हैं तो ये पहले तो सोनी मैक्स में आती थी हो सकता है कि अब और कोई टी वी चैनल के ऊपर आती हो आज एक और रोमांटिक मूवी के बारे में दोस्तों बात करेंगे जिसका क्लिप शायद आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा और ये आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसकी वजह भी शायद कोई रील्स या फिर कोई क्लिप हो सकती है चलिए मैं आपको फिल्म के बारे में बताता हूँ कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो बताऊँगा ही साथ ही में क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फिल्म दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है और मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टार कास्टिंग भी देखने को मिलती है अगर फ़िल्म की रेटिंग की बात करें तो जो आई है वहाँ पर टैन आउट ऑफ लगभग सिक्स की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इस मूवी को फिफ्टी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक भी किया हुआ है और जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छे लाइक मिले हुए हैं ये मूवी दोस्तों ऑफिशियल रीमेक है सेवन जी रैमबो कॉलोनी का जो कि एक बढ़िया फ़िल्म रही थी और दर्शकों को वो मूवी काफ़ी पसंद भी आई थी आप में से बहुत लोगों ने शायद उस फिल्म को देखा होगा क्योंकि वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है लेकिन उसका हिंदी वर्जन आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोगों को जो है इसका हिंदी वर्जन देखना है तो आपको इसका रीमेक वर्ज़न यानी कि मलाल देखना पड़ेगा मलाल जो कि 2019 की रोमांस एक्शन बेस्ड मूवी है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और 16 मिनट का है ये मूवी आपको शुरू से लेकर एंड तक तो बांधे रखती है लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे पल हैं जो कि बार बार देखने के लिए मजबूर करते हैं कई बार दोस्तों हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसके हाव भाव लुक से हम जज कर लेते हैं कि अनपढ़ गवार होगा इसके पास दिमाग नहीं होगा लेकिन कहीं बार इसका उल्टा भी हो सकता है जैसा हम सोचते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है वो इंसान या तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान जेंटलमैन निकलता है या तो वो सच में पैसे वाला निकलता है खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में तो अगर दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये काफ़ी जगह पर आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी लेकिन आप इसे ऑफिशियली देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी वो भी बेहद ही अच्छी क्वालिटी में आप नेटफ्लिक्स और इस मूवी को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मगनेश हड़वाले हैं अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो बॉलीवुड में पहले भी कुछ मूवी दे रखी है लेकिन वो इनकी जो है इतनी कामयाब नहीं रही है लेकिन जो मलाल मूवी है वो काफ़ी जो है वो प्रचलित मूवी उनकी है हालांकि इन्हें जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्होंने बहुत सी मूवीज़ पहले बना रखी है जिनके लिए इन्हें अवार्ड भी काफ़ी मिले हुए हैं जैसे कि इनकी एक मूवी थी चलो जीते हैं 2018 की वो फ़िल्म थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था इसके अलावा तिंग्या तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के लिए इन्होंने जो है वो अवॉर्ड सम्मानित किया गया है और इनकी कुछ मूवीज़ आपको यूट्यूब पर शायद देखने को मिल जाएंगी तो वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसमें दोस्तों कोई भी शक नहीं है और मनाल मूवी भी दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी डायरेक्ट की है दुर्भाग्य से ये मूवी दोस्तों वैसे फ्लॉप रही है लेकिन फिर भी ये मूवी दोस्तों देखने लायक है फिल्म के अंदर आपको मिजन जाफरी सरमिन सैगल प्राची कदम इसवक सिंह चिमाई सरवे सोनल जहा राधा सागर बद्री चवन नंदू इसके अलावा संजय गुरबक्सी, सुनील तावड़े कोमल चाबरिया समीर दीपक दामिनी भरत पहुजा ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और सबका काम दोस्तों वैसे तो काफ़ी बढ़िया है आपको ये कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं ये जो फ़िल्म थी वो दोस्तों वो वैसे तो हिंदी के अंदर रिलीज़ हुई थी लेकिन जो इसका पहले वाला वर्जन आया था जो ओरिजिनल वर्ज़न था उसे जो तमिल और तेलुगु दो भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल ही है लेकिन अगर आपको मलाल देखना है तो इसके लिए आपको शायद नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ही आपको जो है वो मिल जाएंगी फिल्म के अंदर वैसे दोस्तों काफ़ी कुछ आपको दिखाया गया है एक अच्छी कहानी भी आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलती है लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि ये मूवी फ़्लॉप हुई वो शायद आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ अच्छी लगती है हो सकता है कि ये मूवी आपके लिए ब्लॉकबस्टर हो वहीं आपके दोस्त के लिए फ़्लॉप तो हर लोगों को अलग अलग तरह की फिल्में अच्छी लगती है तो आप उस हिसाब से जो फैसला कर सकते हैं ऐसी कहानियाँ हम हिंदी फिल्मों में कई बार देख चुके होंगे जहाँ पर प्यार के दुश्मन तो अमीरी गरीबी होती है या फिर जात पात होता है और मलाल के अंदर भी आपको चौल में रहने वाले टपोरी और बदमाश लड़के शिवा और वहाँ रहने वाले जो एक नई लड़की आती है आस्था चौधरी इनका जो प्यार है इनके बीच की कहानियाँ आपको दर्शाते हैं साथ ही में उनका जो बैकग्राउंड वो भी काफ़ी दोस्तों बढ़िया आपको दिखाया गया है शिव टेहरा चौल में पला बड़ा जो गुंडे करने वाला लड़का और आस्था जो कि ताल्लुक स्टॉक मार्केट से और ऐसे परिवार से रखती है जिनका पिता काफ़ी अमीर हुआ करता था मगर स्टॉक मार्केट के अंदर घाटा होने के बाद उन्हें जो है जॉल में रहने के लिए आना पड़ता है शुरुआत के अंदर सिवा आस्था जो कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं मगर धीरे दिर धीरे फिर इन दोनों के बीच में मासूम और दूसरे की मदद करने वाला स्वभाव भी आ जाता है जहाँ आस्था के घर वाले उसकी मंगनी विदेश से लौटे अमीर लड़के से कर चुके होते हैं सिवा यहाँ पर आस्था को टूट कर चाहने लगता है और वह जो है उसके लिए अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार होता है और वह आस्था के प्यार में अपनी ज़िंदगी की जो दिशा है और दशा है वो दोनों ही बदल देता है मगर तभी उन दोनों के बीच में प्यार का एक ऐसा नया दुश्मन पैदा हो जाता है जिनके आगे दोनों बेबस हो जाते हैं तो आखिरकार उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था ये तो आपको फिल्म के अंदर ही दिखाया गया है तो इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेंगी और अगर आप टी वी पर देखना चाहते हैं तो ये पहले तो सोनी मैक्स में आती थी हो सकता है कि अब और कोई टी वी चैनल के ऊपर आती हो आज एक और रोमांटिक मूवी के बारे में दोस्तों बात करेंगे जिसका क्लिप शायद आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा और आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसकी वजह भी शायद कोई रील्स या फिर कोई क्लिप हो सकती है चलिए मैं आपको फिल्म के बारे में बताता हूँ कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो बताऊँगा ही साथ ही में क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फिल्म दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है और मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टार कास्टिंग भी देखने को मिलती है अगर फ़िल्म की रेटिंग की बात करें तो जो आई है वहाँ पर टैन आउट ऑफ लगभग सिक्स की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इस मूवी को फिफ्टी लोगों ने लाइक भी किया हुआ है और जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छे लाइक मिले हुए हैं ये मूवी दोस्तों ऑफिशियल रीमेक है सेवन जी रैमबो कॉलोनी का जो कि एक बढ़िया फ़िल्म रही थी और दर्शकों को वो मूवी काफ़ी पसंद भी आई थी आप में से बहुत लोगों ने शायद उस फिल्म को देखा होगा क्योंकि वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है लेकिन उसका हिंदी वर्जन आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोगों को जो है इसका हिंदी वर्जन देखना है तो आपको इसका रीमेक वर्ज़न यानी कि मलाल देखना पड़ेगा मलाल जो कि 2019 की रोमांस एक्शन बेस्ड मूवी है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और 16 मिनट का है ये मूवी आपको शुरू से लेकर एंड तक तो बांधे रखती है लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे पल हैं जो कि बार बार देखने के लिए मजबूर करते हैं कई बार दोस्तों हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसके हाव भाव लुक से हम जज कर लेते हैं कि अनपढ़ गवार होगा इसके पास दिमाग नहीं होगा लेकिन कहीं बार इसका उल्टा भी हो सकता है जैसा हम सोचते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है वो इंसान या तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान जेंटलमैन निकलता है या तो वो सच में पैसे वाला निकलता है खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में तो अगर दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये काफ़ी जगह पर आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी लेकिन आप इसे ऑफिशियली देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी वो भी बेहद ही अच्छी क्वालिटी में आप नेटफ्लिक्स और इस मूवी को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मगनेश हड़वाले हैं अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो बॉलीवुड में पहले भी कुछ मूवी दे रखी है लेकिन वो इनकी जो है इतनी कामयाब नहीं रही है लेकिन जो मलाल मूवी है वो काफ़ी जो है वो प्रचलित मूवी उनकी है हालांकि इन्हें जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्होंने बहुत सी मूवीज़ पहले बना रखी है जिनके लिए इन्हें अवार्ड भी काफ़ी मिले हुए हैं जैसे कि इनकी एक मूवी थी चलो जीते हैं 2018 की वो फ़िल्म थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था इसके अलावा तिंग्या तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के लिए इन्होंने जो है वो अवॉर्ड सम्मानित किया गया है और इनकी कुछ मूवीज़ आपको यूट्यूब पर शायद देखने को मिल जाएंगी तो वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसमें दोस्तों कोई भी शक नहीं है और मनाल मूवी भी दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी डायरेक्ट की है दुर्भाग्य से ये मूवी दोस्तों वैसे फ्लॉप रही है लेकिन फिर भी ये मूवी दोस्तों देखने लायक है फिल्म के अंदर आपको मिजन जाफरी सरमिन सैगल प्राची कदम इसवक सिंह चिमाई सरवे सोनल जहा राधा सागर बद्री चवन नंदू इसके अलावा संजय गुरबक्सी, सुनील तावड़े कोमल चाबरिया समीर दीपक दामिनी भरत पहुजा ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और सबका काम दोस्तों वैसे तो काफ़ी बढ़िया है आपको ये कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं ये जो फ़िल्म थी वो दोस्तों वो वैसे तो हिंदी के अंदर रिलीज़ हुई थी लेकिन जो इसका पहले वाला वर्जन आया था जो ओरिजिनल वर्ज़न था उसे जो तमिल और तेलुगु दो भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल ही है लेकिन अगर आपको मलाल देखना है तो इसके लिए आपको शायद नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ही आपको जो है वो मिल जाएंगी फिल्म के अंदर वैसे दोस्तों काफ़ी कुछ आपको दिखाया गया है एक अच्छी कहानी भी आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलती है लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि ये मूवी फ़्लॉप हुई वो शायद आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ अच्छी लगती है हो सकता है कि ये मूवी आपके लिए ब्लॉकबस्टर हो वहीं आपके दोस्त के लिए फ़्लॉप तो हर लोगों को अलग अलग तरह की फिल्में अच्छी लगती है तो आप उस हिसाब से जो फैसला कर सकते हैं ऐसी कहानियाँ हम हिंदी फिल्मों में कई बार देख चुके होंगे जहाँ पर प्यार के दुश्मन तो अमीरी गरीबी होती है या फिर जात पात होता है और मलाल के अंदर भी आपको चौल में रहने वाले टपोरी और बदमाश लड़के शिवा और वहाँ रहने वाले जो एक नई लड़की आती है आस्था चौधरी इनका जो प्यार है इनके बीच की कहानियाँ आपको दर्शाते हैं साथ ही में उनका जो बैकग्राउंड वो भी काफ़ी दोस्तों बढ़िया आपको दिखाया गया है शिव टेहरा चौल में पला बड़ा जो गुंडे करने वाला लड़का और आस्था जो कि ताल्लुक स्टॉक मार्केट से और ऐसे परिवार से रखती है जिनका पिता काफ़ी अमीर हुआ करता था मगर स्टॉक मार्केट के अंदर घाटा होने के बाद उन्हें जो है जॉल में रहने के लिए आना पड़ता है शुरुआत के अंदर सिवा आस्था जो कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं मगर धीरे दिर धीरे फिर इन दोनों के बीच में मासूम और दूसरे की मदद करने वाला स्वभाव भी आ जाता है जहाँ आस्था के घर वाले उसकी मंगनी विदेश से लौटे अमीर लड़के से कर चुके होते हैं सिवा यहाँ पर आस्था को टूट कर चाहने लगता है और वह जो है उसके लिए अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार होता है और वह आस्था के प्यार में अपनी ज़िंदगी की जो दिशा है और दशा है वो दोनों ही बदल देता है मगर तभी उन दोनों के बीच में प्यार का एक ऐसा नया दुश्मन पैदा हो जाता है जिनके आगे दोनों बेबस हो जाते हैं तो आखिरकार उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था ये तो आपको फिल्म के अंदर ही दिखाया गया है तो इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेंगी और अगर आप, आप टी वी पर देखना चाहते हैं तो ये पहले तो सोनी मैक्स में आती थी हो सकता है कि अब और कोई टी वी चैनल के ऊपर आती हो आज एक और रोमांटिक मूवी के बारे में दोस्तों बात करेंगे जिसका क्लिप शायद आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा और आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसकी वजह भी शायद कोई रील्स या फिर कोई क्लिप हो सकती है चलिए मैं आपको फिल्म के बारे में बताता हूँ कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो बताऊँगा ही साथ ही में क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फिल्म दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है और मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टार कास्टिंग भी देखने को मिलती है अगर फ़िल्म की रेटिंग की बात करें तो जो आई है वहाँ पर टैन आउट ऑफ लगभग सिक्स की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इस मूवी को फिफ्टी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक भी किया हुआ है और जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छे लाइक मिले हुए हैं ये मूवी दोस्तों ऑफिशियल रीमेक है सेवन जी रैमबो कॉलोनी का जो कि एक बढ़िया फ़िल्म रही थी और दर्शकों को वो मूवी काफ़ी पसंद भी आई थी आप में से बहुत लोगों ने शायद उस फिल्म को देखा होगा क्योंकि वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है लेकिन उसका हिंदी वर्जन आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोगों को जो है इसका हिंदी वर्जन देखना है तो आपको इसका रीमेक वर्ज़न यानी कि मलाल देखना पड़ेगा मलाल जो कि 2019 की रोमांस एक्शन बेस्ड मूवी है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और 16 मिनट का है ये मूवी आपको शुरू से लेकर एंड तक तो बांधे रखती है लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे पल हैं जो कि बार बार देखने के लिए मजबूर करते हैं कई बार दोस्तों हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसके हाव भाव लुक से हम जज कर लेते हैं कि अनपढ़ गवार होगा इसके पास दिमाग नहीं होगा लेकिन कहीं बार इसका उल्टा भी हो सकता है जैसा हम सोचते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है वो इंसान या तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान जेंटलमैन निकलता है या तो वो सच में पैसे वाला निकलता है खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में तो अगर दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये काफ़ी जगह पर आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी लेकिन आप इसे ऑफिशियली देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी वो भी बेहद ही अच्छी क्वालिटी में आप नेटफ्लिक्स और इस मूवी को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मगनेश हड़वाले हैं अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो बॉलीवुड में पहले भी कुछ मूवी दे रखी है लेकिन वो इनकी जो है इतनी कामयाब नहीं रही है लेकिन जो मलाल मूवी है वो काफ़ी जो है वो प्रचलित मूवी उनकी है हालांकि इन्हें जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्होंने बहुत सी मूवीज़ पहले बना रखी है जिनके लिए इन्हें अवार्ड भी काफ़ी मिले हुए हैं जैसे कि इनकी एक मूवी थी चलो जीते हैं 2018 की वो फ़िल्म थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था इसके अलावा तिंग्या तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के लिए इन्होंने जो है वो अवॉर्ड सम्मानित किया गया है और इनकी कुछ मूवीज़ आपको यूट्यूब पर शायद देखने को मिल जाएंगी तो वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसमें दोस्तों कोई भी शक नहीं है और मनाल मूवी भी दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी डायरेक्ट की है दुर्भाग्य से ये मूवी दोस्तों वैसे फ्लॉप रही है लेकिन फिर भी ये मूवी दोस्तों देखने लायक है फिल्म के अंदर आपको मिजन जाफरी सरमिन सैगल प्राची कदम इसवक सिंह चिमाई सरवे सोनल जहा राधा सागर बद्री चवन नंदू इसके अलावा संजय गुरबक्सी, सुनील तावड़े कोमल चाबरिया समीर दीपक दामिनी भरत पहुजा ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और सबका काम दोस्तों वैसे तो काफ़ी बढ़िया है आपको ये कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं ये जो फ़िल्म थी वो दोस्तों वो वैसे तो हिंदी के अंदर रिलीज़ हुई थी लेकिन जो इसका पहले वाला वर्जन आया था जो ओरिजिनल वर्ज़न था उसे जो तमिल और तेलुगु दो भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल ही है लेकिन अगर आपको मलाल देखना है तो इसके लिए आपको शायद नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ही आपको जो है वो मिल जाएंगी फिल्म के अंदर वैसे दोस्तों काफ़ी कुछ आपको दिखाया गया है एक अच्छी कहानी भी आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलती है लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि ये मूवी फ्लॉप हुई वो शायद आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ अच्छी लगती है हो सकता है कि ये मूवी आपके लिए ब्लॉकबस्टर हो वहीं आपके दोस्त के लिए फ़्लॉप तो हर लोगों को अलग अलग तरह की फिल्में अच्छी लगती है तो आप उस हिसाब से जो फैसला कर सकते हैं ऐसी कहानियाँ हम हिंदी फिल्मों में कई बार देख चुके होंगे जहाँ पर प्यार के दुश्मन तो अमीरी गरीबी होती है या फिर जात पात होता है और मलाल के अंदर भी आपको चौल में रहने वाले टपोरी और बदमाश लड़के शिवा और वहाँ रहने वाले जो एक नई लड़की आती है आस्था चौधरी इनका जो प्यार है इनके बीच की कहानियाँ आपको दर्शाते हैं साथ ही में उनका जो बैकग्राउंड वो भी काफ़ी दोस्तों बढ़िया आपको दिखाया गया है शिव टेहरा चौल में पला बड़ा जो गुंडे करने वाला लड़का और आस्था जो कि ताल्लुक स्टॉक मार्केट से और ऐसे परिवार से रखती है जिनका पिता काफ़ी अमीर हुआ करता था मगर स्टॉक मार्केट के अंदर घाटा होने के बाद उन्हें जो है जॉल में रहने के लिए आना पड़ता है शुरुआत के अंदर सिवा आस्था जो कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं मगर धीरे दिर धीरे फिर इन दोनों के बीच में मासूम और दूसरे की मदद करने वाला स्वभाव भी आ जाता है जहाँ आस्था के घर वाले उसकी मंगनी विदेश से लौटे अमीर लड़के से कर चुके होते हैं सिवा यहाँ पर आस्था को टूट कर चाहने लगता है और वह जो है उसके लिए अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार होता है और वह आस्था के प्यार में अपनी ज़िंदगी की जो दिशा है और दशा है वो दोनों ही बदल देता है मगर तभी उन दोनों के बीच में प्यार का एक ऐसा नया दुश्मन पैदा हो जाता है जिनके आगे दोनों बेबस हो जाते हैं तो आखिरकार उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था ये तो आपको फिल्म के अंदर ही दिखाया गया है तो इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेंगी और अगर आप टी वी पर देखना चाहते हैं तो ये पहले तो सोनी मैक्स में आती थी हो सकता है कि अब और कोई टी वी चैनल के ऊपर आती हो आज एक और रोमांटिक मूवी के बारे में दोस्तों बात करेंगे जिसका क्लिप शायद आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा और आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसकी वजह भी शायद कोई रील्स या फिर कोई क्लिप हो सकती है चलिए मैं आपको फिल्म के बारे में बताता हूँ कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो बताऊँगा ही साथ ही में क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फिल्म दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है और मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टार कास्टिंग भी देखने को मिलती है अगर फ़िल्म की रेटिंग की बात करें तो जो आई है वहाँ पर टैन आउट ऑफ लगभग सिक्स की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इस मूवी को फिफ्टी लोगों ने लाइक भी किया हुआ है और जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छे लाइक मिले हुए हैं ये मूवी दोस्तों ऑफिशियल रीमेक है सेवन जी रैमबो कॉलोनी का जो कि एक बढ़िया फ़िल्म रही थी और दर्शकों को वो मूवी काफ़ी पसंद भी आई थी आप में से बहुत लोगों ने शायद उस फिल्म को देखा होगा क्योंकि वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है लेकिन उसका हिंदी वर्जन आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोगों को जो है इसका हिंदी वर्जन देखना है तो आपको इसका रीमेक वर्ज़न यानी कि मलाल देखना पड़ेगा मलाल जो कि 2019 की रोमांस एक्शन बेस्ड मूवी है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और 16 मिनट का है ये मूवी आपको शुरू से लेकर एंड तक तो बांधे रखती है लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे पल हैं जो कि बार बार देखने के लिए मजबूर करते हैं कई बार दोस्तों हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसके हाव भाव लुक से हम जज कर लेते हैं कि अनपढ़ गवार होगा इसके पास दिमाग नहीं होगा लेकिन कहीं बार इसका उल्टा भी हो सकता है जैसा हम सोचते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है वो इंसान या तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान जेंटलमैन निकलता है या तो वो सच में पैसे वाला निकलता है खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में तो अगर दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये काफ़ी जगह पर आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी लेकिन आप इसे ऑफिशियली देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी वो भी बेहद ही अच्छी क्वालिटी में आप नेटफ्लिक्स और इस मूवी को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मगनेश हड़वाले हैं अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो बॉलीवुड में पहले भी कुछ मूवी दे रखी है लेकिन वो इनकी जो है इतनी कामयाब नहीं रही है लेकिन जो मलाल मूवी है वो काफ़ी जो है वो प्रचलित मूवी उनकी है हालांकि इन्हें जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्होंने बहुत सी मूवीज़ पहले बना रखी है जिनके लिए इन्हें अवार्ड भी काफ़ी मिले हुए हैं जैसे कि इनकी एक मूवी थी चलो जीते हैं 2018 की वो फ़िल्म थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था इसके अलावा तिंग्या तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के लिए इन्होंने जो है वो अवॉर्ड सम्मानित किया गया है और इनकी कुछ मूवीज़ आपको यूट्यूब पर शायद देखने को मिल जाएंगी तो वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसमें दोस्तों कोई भी शक नहीं है और मनाल मूवी भी दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी डायरेक्ट की है दुर्भाग्य से ये मूवी दोस्तों वैसे फ्लॉप रही है लेकिन फिर भी ये मूवी दोस्तों देखने लायक है फिल्म के अंदर आपको मिजन जाफरी सरमिन सैगल प्राची कदम इसवक सिंह चिमाई सरवे सोनल जहा राधा सागर बद्री चवन नंदू इसके अलावा संजय गुरबक्सी, सुनील तावड़े कोमल चाबरिया समीर दीपक दामिनी भरत पहुजा ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और सबका काम दोस्तों वैसे तो काफ़ी बढ़िया है आपको ये कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं ये जो फ़िल्म थी वो दोस्तों वो वैसे तो हिंदी के अंदर रिलीज़ हुई थी लेकिन जो इसका पहले वाला वर्जन आया था जो ओरिजिनल वर्ज़न था उसे जो तमिल और तेलुगु दो भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल ही है लेकिन अगर आपको मलाल देखना है तो इसके लिए आपको शायद नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ही आपको जो है वो मिल जाएंगी फिल्म के अंदर वैसे दोस्तों काफ़ी कुछ आपको दिखाया गया है एक अच्छी कहानी भी आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलती है लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि ये मूवी फ़्लॉप हुई वो शायद आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ अच्छी लगती है हो सकता है कि ये मूवी आपके लिए ब्लॉकबस्टर हो वहीं आपके दोस्त के लिए फ़्लॉप तो हर लोगों को अलग अलग तरह की फिल्में अच्छी लगती है तो आप उस हिसाब से जो फैसला कर सकते हैं ऐसी कहानियाँ हम हिंदी फिल्मों में कई बार देख चुके होंगे जहाँ पर प्यार के दुश्मन तो अमीरी गरीबी होती है या फिर जात पात होता है और मलाल के अंदर भी आपको चौल में रहने वाले टपोरी और बदमाश लड़के शिवा और वहाँ रहने वाले जो एक नई लड़की आती है आस्था चौधरी इनका जो प्यार है इनके बीच की कहानियाँ आपको दर्शाते हैं साथ ही में उनका जो बैकग्राउंड वो भी काफ़ी दोस्तों बढ़िया आपको दिखाया गया है शिव टेहरा चौल में पला बड़ा जो गुंडे करने वाला लड़का और आस्था जो कि ताल्लुक स्टॉक मार्केट से और ऐसे परिवार से रखती है जिनका पिता काफ़ी अमीर हुआ करता था मगर स्टॉक मार्केट के अंदर घाटा होने के बाद उन्हें जो है जॉल में रहने के लिए आना पड़ता है शुरुआत के अंदर सिवा आस्था जो कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं मगर धीरे दिर धीरे फिर इन दोनों के बीच में मासूम और दूसरे की मदद करने वाला स्वभाव भी आ जाता है जहाँ आस्था के घर वाले उसकी मंगनी विदेश से लौटे अमीर लड़के से कर चुके होते हैं सिवा यहाँ पर आस्था को टूट कर चाहने लगता है और वह जो है उसके लिए अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार होता है और वह आस्था के प्यार में अपनी ज़िंदगी की जो दिशा है और दशा है वो दोनों ही बदल देता है मगर तभी उन दोनों के बीच में प्यार का एक ऐसा नया दुश्मन पैदा हो जाता है जिनके आगे दोनों बेबस हो जाते हैं तो आखिरकार उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था ये तो आपको फिल्म के अंदर ही दिखाया गया है तो इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेंगी और अगर आप टी वी पर देखना चाहते हैं तो ये पहले तो सोनी मैक्स में आती थी हो सकता है कि अब और कोई टी वी चैनल के ऊपर आती हो आज एक और रोमांटिक मूवी के बारे में दोस्तों बात करेंगे जिसका क्लिप शायद आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा और आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसकी वजह भी शायद कोई रील्स या फिर कोई क्लिप हो सकती है चलिए मैं आपको फिल्म के बारे में बताता हूँ कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो बताऊँगा ही साथ ही में क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फिल्म दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है और मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टार कास्टिंग भी देखने को मिलती है अगर फ़िल्म की रेटिंग की बात करें तो जो आई है वहाँ पर टैन आउट ऑफ लगभग सिक्स की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इस मूवी को फिफ्टी लोगों ने लाइक भी किया हुआ है और जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छे लाइक मिले हुए हैं ये मूवी दोस्तों ऑफिशियल रीमेक है सेवन जी रैमबो कॉलोनी का जो कि एक बढ़िया फ़िल्म रही थी और दर्शकों को वो मूवी काफ़ी पसंद भी आई थी आप में से बहुत लोगों ने शायद उस फिल्म को देखा होगा क्योंकि वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है लेकिन उसका हिंदी वर्जन आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोगों को जो है इसका हिंदी वर्जन देखना है तो आपको इसका रीमेक वर्ज़न यानी कि मलाल देखना पड़ेगा मलाल जो कि 2019 की रोमांस एक्शन बेस्ड मूवी है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और 16 मिनट का है ये मूवी आपको शुरू से लेकर एंड तक तो बांधे रखती है लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे पल हैं जो कि बार बार देखने के लिए मजबूर करते हैं कई बार दोस्तों हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसके हाव भाव लुक से हम जज कर लेते हैं कि अनपढ़ गवार होगा इसके पास दिमाग नहीं होगा लेकिन कहीं बार इसका उल्टा भी हो सकता है जैसा हम सोचते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है वो इंसान या तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान जेंटलमैन निकलता है या तो वो सच में पैसे वाला निकलता है खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में तो अगर दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये काफ़ी जगह पर आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी लेकिन आप इसे ऑफिशियली देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी वो भी बेहद ही अच्छी क्वालिटी में आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मगनेश हड़वाले हैं अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो बॉलीवुड में पहले भी कुछ मूवी दे रखी है लेकिन वो इनकी जो है इतनी कामयाब नहीं रही है लेकिन जो मलाल मूवी है वो काफ़ी जो है वो प्रचलित मूवी उनकी है हालांकि इन्हें जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्होंने बहुत सी मूवीज़ पहले बना रखी है जिनके लिए इन्हें अवार्ड भी काफ़ी मिले हुए हैं जैसे कि इनकी एक मूवी थी चलो जीते हैं 2018 की वो फ़िल्म थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था इसके अलावा तिंग्या तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के लिए इन्होंने जो है वो अवॉर्ड सम्मानित किया गया है और इनकी कुछ मूवीज़ आपको यूट्यूब पर शायद देखने को मिल जाएंगी तो वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसमें दोस्तों कोई भी शक नहीं है और मनाल मूवी भी दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी डायरेक्ट की है दुर्भाग्य से ये मूवी दोस्तों वैसे फ्लॉप रही है लेकिन फिर भी ये मूवी दोस्तों देखने लायक है फिल्म के अंदर आपको मिजन जाफरी सरमिन सैगल प्राची कदम इसवक सिंह चिमाई सरवे सोनल जहा राधा सागर बद्री चवन नंदू इसके अलावा संजय गुरबक्सी, सुनील तावड़े कोमल चाबरिया समीर दीपक दामिनी भरत पहुजा ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और सबका काम दोस्तों वैसे तो काफ़ी बढ़िया है आपको ये कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं ये जो फ़िल्म थी वो दोस्तों वो वैसे तो हिंदी के अंदर रिलीज़ हुई थी लेकिन जो इसका पहले वाला वर्ज़न आया था जो ओरिजिनल वर्ज़न था उसे जो तमिल और तेलुगु दो भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल ही है लेकिन अगर आपको मलाल देखना है तो इसके लिए आपको शायद नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ही आपको जो है वो मिल जाएंगी फिल्म के अंदर वैसे दोस्तों काफ़ी कुछ आपको दिखाया गया है एक अच्छी कहानी भी आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलती है लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि ये मूवी फ़्लॉप हुई वो शायद आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ अच्छी लगती है हो सकता है कि ये मूवी आपके लिए ब्लॉकबस्टर हो वहीं आपके दोस्त के लिए फ़्लॉप तो हर लोगों को अलग अलग तरह की फिल्में अच्छी लगती है तो आप उस हिसाब से जो फैसला कर सकते हैं ऐसी कहानियाँ हम हिंदी फिल्मों में कई बार देख चुके होंगे जहाँ पर प्यार के दुश्मन तो अमीरी गरीबी होती है या फिर जात पात होता है और मलाल के अंदर भी आपको चौल में रहने वाले टपोरी और बदमाश लड़के शिवा और वहाँ रहने वाले जो एक नई लड़की आती है आस्था चौधरी इनका जो प्यार है इनके बीच की कहानियाँ आपको दर्शाते हैं साथ ही में उनका जो बैकग्राउंड वो भी काफ़ी दोस्तों बढ़िया आपको दिखाया गया है शिव टेहरा चौल में पला बड़ा जो गुंडे करने वाला लड़का और आस्था जो कि ताल्लुक स्टॉक मार्केट से और ऐसे परिवार से रखती है जिनका पिता काफ़ी अमीर हुआ करता था मगर स्टॉक मार्केट के अंदर घाटा होने के बाद उन्हें जो है जॉल में रहने के लिए आना पड़ता है शुरुआत के अंदर सिवा आस्था जो कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं मगर धीरे दिर धीरे फिर इन दोनों के बीच में मासूम और दूसरे की मदद करने वाला स्वभाव भी आ जाता है जहाँ आस्था के घर वाले उसकी मंगनी विदेश से लौटे अमीर लड़के से कर चुके होते हैं सिवा यहाँ पर आस्था को टूट कर चाहने लगता है और वह जो है उसके लिए अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार होता है और वह आस्था के प्यार में अपनी ज़िंदगी की जो दिशा है और दशा है वो दोनों ही बदल देता है मगर तभी उन दोनों के बीच में प्यार का एक ऐसा नया दुश्मन पैदा हो जाता है जिनके आगे दोनों बेबस हो जाते हैं तो आखिरकार उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था ये तो आपको फिल्म के अंदर ही दिखाया गया है तो इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेंगी और अगर आप टी वी पर देखना चाहते हैं तो ये पहले तो सोनी मैक्स में आती थी हो सकता है कि अब और कोई टी वी चैनल के ऊपर आती हो आज एक और रोमांटिक मूवी के बारे में दोस्तों बात करेंगे जिसका क्लिप शायद आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा और आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसकी वजह भी शायद कोई रील्स या फिर कोई क्लिप हो सकती है चलिए मैं आपको फिल्म के बारे में बताता हूँ कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो बताऊँगा ही साथ ही में क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फिल्म दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है और मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टार कास्टिंग भी देखने को मिलती है अगर फ़िल्म की रेटिंग की बात करें तो जो आई है वहाँ पर टैन आउट ऑफ लगभग सिक्स की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इस मूवी को फिफ्टी लोगों ने लाइक भी किया हुआ है और जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छे लाइक मिले हुए हैं ये मूवी दोस्तों ऑफिशियल रीमेक है सेवन जी रैमबो कॉलोनी का जो कि एक बढ़िया फ़िल्म रही थी और दर्शकों को वो मूवी काफ़ी पसंद भी आई थी आप में से बहुत लोगों ने शायद उस फिल्म को देखा होगा क्योंकि वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है लेकिन उसका हिंदी वर्जन आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोगों को जो है इसका हिंदी वर्जन देखना है तो आपको इसका रीमेक वर्ज़न यानी कि मलाल देखना पड़ेगा मलाल जो कि 2019 की रोमांस एक्शन बेस्ड मूवी है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और 16 मिनट का है ये मूवी आपको शुरू से लेकर एंड तक तो बांधे रखती है लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे पल हैं जो कि बार बार देखने के लिए मजबूर करते हैं कई बार दोस्तों हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसके हाव भाव लुक से हम जज कर लेते हैं कि अनपढ़ गवार होगा इसके पास दिमाग नहीं होगा लेकिन कहीं बार इसका उल्टा भी हो सकता है जैसा हम सोचते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है वो इंसान या तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान जेंटलमैन निकलता है या तो वो सच में पैसे वाला निकलता है खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में तो अगर दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये काफ़ी जगह पर आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी लेकिन आप इसे ऑफिशियली देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी वो भी बेहद ही अच्छी क्वालिटी में आप नेटफ्लिक्स और इस मूवी को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मगनेश हड़वाले हैं अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो बॉलीवुड में पहले भी कुछ मूवी दे रखी है लेकिन वो इनकी जो है इतनी कामयाब नहीं रही है लेकिन जो मलाल मूवी है वो काफ़ी जो है वो प्रचलित मूवी उनकी है हालांकि इन्हें जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्होंने बहुत सी मूवीज़ पहले बना रखी है जिनके लिए इन्हें अवार्ड भी काफ़ी मिले हुए हैं जैसे कि इनकी एक मूवी थी चलो जीते हैं 2018 की वो फ़िल्म थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था इसके अलावा तिंग्या तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के लिए इन्होंने जो है वो अवॉर्ड सम्मानित किया गया है और इनकी कुछ मूवीज़ आपको यूट्यूब पर शायद देखने को मिल जाएंगी तो वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसमें दोस्तों कोई भी शक नहीं है और मनाल मूवी भी दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी डायरेक्ट की है दुर्भाग्य से ये मूवी दोस्तों वैसे फ्लॉप रही है लेकिन फिर भी ये मूवी दोस्तों देखने लायक है फिल्म के अंदर आपको मिजन जाफरी सरमिन सैगल प्राची कदम इसवक सिंह चिमाई सरवे सोनल जहा राधा सागर बद्री चवन नंदू इसके अलावा संजय गुरबक्सी, सुनील तावड़े कोमल चाबरिया समीर दीपक दामिनी भरत पहुजा ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और सबका काम दोस्तों वैसे तो काफ़ी बढ़िया है आपको ये कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं ये जो फ़िल्म थी वो दोस्तों वो वैसे तो हिंदी के अंदर रिलीज़ हुई थी लेकिन जो इसका पहले वाला वर्ज़न आया था जो ओरिजिनल वर्ज़न था उसे जो तमिल और तेलुगु दो भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल ही है लेकिन अगर आपको मलाल देखना है तो इसके लिए आपको शायद नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ही आपको जो है वो मिल जाएंगी फिल्म के अंदर वैसे दोस्तों काफ़ी कुछ आपको दिखाया गया है एक अच्छी कहानी भी आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलती है लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि ये मूवी फ्लॉप हुई वो शायद आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ अच्छी लगती है हो सकता है कि ये मूवी आपके लिए ब्लॉकबस्टर हो वहीं आपके दोस्त के लिए फ़्लॉप तो हर लोगों को अलग अलग तरह की फिल्में अच्छी लगती है तो आप उस हिसाब से जो फैसला कर सकते हैं ऐसी कहानियाँ हम हिंदी फिल्मों में कई बार देख चुके होंगे जहाँ पर प्यार के दुश्मन तो अमीरी गरीबी होती है या फिर जात पात होता है और मलाल के अंदर भी आपको चौल में रहने वाले टपोरी और बदमाश लड़के शिवा और वहाँ रहने वाले जो एक नई लड़की आती है आस्था चौधरी इनका जो प्यार है इनके बीच की कहानियाँ आपको दर्शाते हैं साथ ही में उनका जो बैकग्राउंड वो भी काफ़ी दोस्तों बढ़िया आपको दिखाया गया है शिव टेहरा चौल में पला बड़ा जो गुंडे करने वाला लड़का और आस्था जो कि ताल्लुक स्टॉक मार्केट से और ऐसे परिवार से रखती है जिनका पिता काफ़ी अमीर हुआ करता था मगर स्टॉक मार्केट के अंदर घाटा होने के बाद उन्हें जो है जॉल में रहने के लिए आना पड़ता है शुरुआत के अंदर सिवा आस्था जो कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं मगर धीरे दिर धीरे फिर इन दोनों के बीच में मासूम और दूसरे की मदद करने वाला स्वभाव भी आ जाता है जहाँ आस्था के घर वाले उसकी मंगनी विदेश से लौटे अमीर लड़के से कर चुके होते हैं सिवा यहाँ पर आस्था को टूट कर चाहने लगता है और वह जो है उसके लिए अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार होता है और वह आस्था के प्यार में अपनी ज़िंदगी की जो दिशा है और दशा है वो दोनों ही बदल देता है मगर तभी उन दोनों के बीच में प्यार का एक ऐसा नया दुश्मन पैदा हो जाता है जिनके आगे दोनों बेबस हो जाते हैं तो आखिरकार उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था ये तो आपको फिल्म के अंदर ही दिखाया गया है तो इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेंगी और अगर आप टी पर देखना चाहते हैं तो ये पहले तो सोनी मैक्स में आती थी हो सकता है कि अब और, और कोई टी वी चैनल के ऊपर आती हो आज एक और रोमांटिक मूवी के बारे में दोस्तों बात करेंगे जिसका क्लिप शायद आप लोगों ने कभी न कभी देखा ही होगा और आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसकी वजह भी शायद कोई रील्स या फिर कोई क्लिप हो सकती है चलिए मैं आपको फिल्म के बारे में बताता हूँ कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो बताऊँगा ही साथ ही में क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फिल्म दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है और मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टार कास्टिंग भी देखने को मिलती है अगर फ़िल्म की रेटिंग की बात करें तो जो आई है वहाँ पर टैन आउट ऑफ लगभग सिक्स की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इस मूवी को फिफ्टी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक भी किया हुआ है और जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छे लाइक मिले हुए हैं ये मूवी दोस्तों ऑफिशियल रीमेक है सेवन जी रैमबो कॉलोनी का जो कि एक बढ़िया फ़िल्म रही थी और दर्शकों को वो मूवी काफ़ी पसंद भी आई थी आप में से बहुत लोगों ने शायद उस फिल्म को देखा होगा क्योंकि वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है लेकिन उसका हिंदी वर्जन आपको यूटूब पर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोगों को जो है इसका हिंदी वर्जन देखना है तो आपको इसका रीमेक वर्ज़न यानी कि मलाल देखना पड़ेगा मलाल जो कि 2019 की रोमांस एक्शन बेस्ड मूवी है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और 16 मिनट का है ये मूवी आपको शुरू से लेकर एंड तक तो बांधे रखती है लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे पल हैं जो कि बार बार देखने के लिए मजबूर करते हैं कई बार दोस्तों हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसके हाव भाव लुक से हम जज कर लेते हैं कि अनपढ़ गवार होगा इसके पास दिमाग नहीं होगा लेकिन कहीं बार इसका उल्टा भी हो सकता है जैसा हम सोचते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है वो इंसान या तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान जेंटलमैन निकलता है या तो वो सच में पैसे वाला निकलता है खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में तो अगर दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये काफ़ी जगह पर आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी लेकिन आप इसे ऑफिशियली देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी वो भी बेहद ही अच्छी क्वालिटी में आप नेटफ्लिक्स और इस मूवी को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मगनेश हड़वाले हैं अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो बॉलीवुड में पहले भी कुछ मूवी दे रखी है लेकिन वो इनकी जो है इतनी कामयाब नहीं रही है लेकिन जो मलाल मूवी है वो काफ़ी जो है वो प्रचलित मूवी उनकी है हालांकि इन्हें जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्होंने बहुत सी मूवीज़ पहले बना रखी है जिनके लिए इन्हें अवार्ड भी काफ़ी मिले हुए हैं जैसे कि इनकी एक मूवी थी चलो जीते हैं 2018 की वो फ़िल्म थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था इसके अलावा तिंग्या तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के लिए इन्होंने जो है वो अवॉर्ड सम्मानित किया गया है और इनकी कुछ मूवीज़ आपको यूट्यूब पर शायद देखने को मिल जाएंगी तो वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसमें दोस्तों कोई भी शक नहीं है और मनाल मूवी भी दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी डायरेक्ट की है दुर्भाग्य से ये मूवी दोस्तों वैसे फ्लॉप रही है लेकिन फिर भी ये मूवी दोस्तों देखने लायक है फिल्म के अंदर आपको मिजन जाफरी सरमिन सैगल प्राची कदम इसवक सिंह चिमाई सरवे सोनल जहा राधा सागर बद्री चवन नंदू इसके अलावा संजय गुरबक्सी, सुनील तावड़े कोमल चाबरिया समीर दीपक दामिनी भरत पहुजा ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और सबका काम दोस्तों वैसे तो काफ़ी बढ़िया है आपको ये कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं ये जो फ़िल्म थी वो दोस्तों वो वैसे तो हिंदी के अंदर रिलीज़ हुई थी लेकिन जो इसका पहले वाला वर्जन आया था जो ओरिजिनल वर्ज़न था उसे जो तमिल और तेलुगु दो भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल ही है लेकिन अगर आपको मलाल देखना है तो इसके लिए आपको शायद नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ही आपको जो है वो मिल जाएंगी फिल्म के अंदर वैसे दोस्तों काफ़ी कुछ आपको दिखाया गया है एक अच्छी कहानी भी आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलती है लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि ये मूवी फ़्लॉप हुई वो शायद आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ अच्छी लगती है हो सकता है कि ये मूवी आपके लिए ब्लॉकबस्टर हो वहीं आपके दोस्त के लिए फ़्लॉप तो हर लोगों को अलग अलग तरह की फिल्में अच्छी लगती है तो आप उस हिसाब से जो फैसला कर सकते हैं ऐसी कहानियाँ हम हिंदी फिल्मों में कई बार देख चुके होंगे जहाँ पर प्यार के दुश्मन तो अमीरी गरीबी होती है या फिर जात पात होता है और मलाल के अंदर भी आपको चौल में रहने वाले टपोरी और बदमाश लड़के शिवा और वहाँ रहने वाले जो एक नई लड़की आती है आस्था चौधरी इनका जो प्यार है इनके बीच की कहानियाँ आपको दर्शाते हैं साथ ही में उनका जो बैकग्राउंड वो भी काफ़ी दोस्तों बढ़िया आपको दिखाया गया है शिव टेहरा चौल में पला बड़ा जो गुंडे करने वाला लड़का और आस्था जो कि ताल्लुक स्टॉक मार्केट से और ऐसे परिवार से रखती है जिनका पिता काफ़ी अमीर हुआ करता था मगर स्टॉक मार्केट के अंदर घाटा होने के बाद उन्हें जो है जॉल में रहने के लिए आना पड़ता है शुरुआत के अंदर सिवा आस्था जो कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं मगर धीरे दिर धीरे फिर इन दोनों के बीच में मासूम और दूसरे की मदद करने वाला स्वभाव भी आ जाता है जहाँ आस्था के घर वाले उसकी मंगनी विदेश से लौटे अमीर लड़के से कर चुके होते हैं सिवा यहाँ पर आस्था को टूट कर चाहने लगता है और वह जो है उसके लिए अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार होता है और वह आस्था के प्यार में अपनी ज़िंदगी की जो दिशा है और दशा है वो दोनों ही बदल देता है मगर तभी उन दोनों के बीच में प्यार का एक ऐसा नया दुश्मन पैदा हो जाता है जिनके आगे दोनों बेबस हो जाते हैं तो आखिरकार उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था ये तो आपको फिल्म के अंदर ही दिखाया गया है तो इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेंगी और अगर आप टी वी पर देखना चाहते हैं तो ये पहले तो ये सोनी मैक्स में आती थी हो सकता है कि अब और कोई टी वी चैनल के ऊपर आती हो आज एक और रोमांटिक मूवी के बारे में दोस्तों बात करेंगे जिसका क्लिप शायद आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा और आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसकी वजह भी शायद कोई रील्स या फिर कोई क्लिप हो सकती है चलिए मैं आपको फिल्म के बारे में बताता हूँ कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो बताऊँगा ही साथ ही में क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फिल्म दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है और मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टार कास्टिंग भी देखने को मिलती है अगर फ़िल्म की रेटिंग की बात करें तो जो आई है वहाँ पर टैन आउट ऑफ लगभग सिक्स की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इस मूवी को फिफ्टी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक भी किया हुआ है और जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छे लाइक मिले हुए हैं ये मूवी दोस्तों ऑफिशियल रीमेक है सेवन जी रैमबो कॉलोनी का जो कि एक बढ़िया फ़िल्म रही थी और दर्शकों को वो मूवी काफ़ी पसंद भी आई थी आप में से बहुत लोगों ने शायद उस फिल्म को देखा होगा क्योंकि वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है लेकिन उसका हिंदी वर्जन आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोगों को जो है इसका हिंदी वर्जन देखना है तो आपको इसका रीमेक वर्ज़न यानी कि मलाल देखना पड़ेगा मलाल जो कि 2019 की रोमांस एक्शन बेस्ड मूवी है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और 16 मिनट का है ये मूवी आपको शुरू से लेकर एंड तक तो बांधे रखती है लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे पल हैं जो कि बार बार देखने के लिए मजबूर करते हैं कई बार दोस्तों हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसके हाव भाव लुक से हम जज कर लेते हैं कि अनपढ़ गवार होगा इसके पास दिमाग नहीं होगा लेकिन कहीं बार इसका उल्टा भी हो सकता है जैसा हम सोचते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है वो इंसान या तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान जेंटलमैन निकलता है या तो वो सच में पैसे वाला निकलता है खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में तो अगर दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये काफ़ी जगह पर आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी लेकिन आप इसे ऑफिशियली देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी वो भी बेहद ही अच्छी क्वालिटी में आप नेटफ्लिक्स और इस मूवी को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मगनेश हड़वाले हैं अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो बॉलीवुड में पहले भी कुछ मूवी दे रखी है लेकिन वो इनकी जो है इतनी कामयाब नहीं रही है लेकिन जो मलाल मूवी है वो काफ़ी जो है वो प्रचलित मूवी उनकी है हालांकि इन्हें जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्होंने बहुत सी मूवीज़ पहले बना रखी है जिनके लिए इन्हें अवार्ड भी काफ़ी मिले हुए हैं जैसे कि इनकी एक मूवी थी चलो जीते हैं 2018 की वो फ़िल्म थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था इसके अलावा तिंग्या तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के लिए इन्होंने जो है वो अवॉर्ड सम्मानित किया गया है और इनकी कुछ मूवीज़ आपको यूट्यूब पर शायद देखने को मिल जाएंगी तो वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसमें दोस्तों कोई भी शक नहीं है और मनाल मूवी भी दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी डायरेक्ट की है दुर्भाग्य से ये मूवी दोस्तों वैसे फ्लॉप रही है लेकिन फिर भी ये मूवी दोस्तों देखने लायक है फिल्म के अंदर आपको मिजन जाफरी सरमिन सैगल प्राची कदम इसवक सिंह चिमाई सरवे सोनल जहा राधा सागर बद्री चवन नंदू इसके अलावा संजय गुरबक्सी, सुनील तावड़े कोमल चाबरिया समीर दीपक दामिनी भरत पहुजा ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और सबका काम दोस्तों वैसे तो काफ़ी बढ़िया है आपको ये कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं ये जो फ़िल्म थी वो दोस्तों वो वैसे तो हिंदी के अंदर रिलीज़ हुई थी लेकिन जो इसका पहले वाला वर्जन आया था जो ओरिजिनल वर्ज़न था उसे जो तमिल और तेलुगु दो भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल ही है लेकिन अगर आपको मलाल देखना है तो इसके लिए आपको शायद नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ही आपको जो है वो मिल जाएंगी फिल्म के अंदर वैसे दोस्तों काफ़ी कुछ आपको दिखाया गया है एक अच्छी कहानी भी आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलती है लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि ये मूवी फ़्लॉप हुई वो शायद आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ अच्छी लगती है हो सकता है कि ये मूवी आपके लिए ब्लॉकबस्टर हो वहीं आपके दोस्त के लिए फ़्लॉप तो हर लोगों को अलग अलग तरह की फिल्में अच्छी लगती है तो आप उस हिसाब से जो फैसला कर सकते हैं ऐसी कहानियाँ हम हिंदी फिल्मों में कई बार देख चुके होंगे जहाँ पर प्यार के दुश्मन तो अमीरी गरीबी होती है या फिर जात पात होता है और मलाल के अंदर भी आपको चौल में रहने वाले टपोरी और बदमाश लड़के शिवा और वहाँ रहने वाले जो एक नई लड़की आती है आस्था चौधरी इनका जो प्यार है इनके बीच की कहानियाँ आपको दर्शाते हैं साथ ही में उनका जो बैकग्राउंड वो भी काफ़ी दोस्तों बढ़िया आपको दिखाया गया है शिव टेहरा चौल में पला बड़ा जो गुंडे करने वाला लड़का और आस्था जो कि ताल्लुक स्टॉक मार्केट से और ऐसे परिवार से रखती है जिनका पिता काफ़ी अमीर हुआ करता था मगर स्टॉक मार्केट के अंदर घाटा होने के बाद उन्हें जो है जॉल में रहने के लिए आना पड़ता है शुरुआत के अंदर सिवा आस्था जो कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं मगर धीरे दिर धीरे फिर इन दोनों के बीच में मासूम और दूसरे की मदद करने वाला स्वभाव भी आ जाता है जहाँ आस्था के घर वाले उसकी मंगनी विदेश से लौटे अमीर लड़के से कर चुके होते हैं सिवा यहाँ पर आस्था को टूट कर चाहने लगता है और वह जो है उसके लिए अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार होता है और वह आस्था के प्यार में अपनी ज़िंदगी की जो दिशा है और दशा है वो दोनों ही बदल देता है मगर तभी उन दोनों के बीच में प्यार का एक ऐसा नया दुश्मन पैदा हो जाता है जिनके आगे दोनों बेबस हो जाते हैं तो आखिरकार उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था ये तो आपको फिल्म के अंदर ही दिखाया गया है तो इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेंगी और अगर आप टी वी पर देखना चाहते हैं तो ये पहले तो सोनी मैक्स में आती थी हो सकता है कि अब और, और कोई टी वी चैनल के ऊपर आती हो आज एक और रोमांटिक मूवी के बारे में दोस्तों बात करेंगे जिसका क्लिप शायद आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा और आप या यहाँ तक पहुँचे हैं इसकी वजह भी शायद कोई रील्स या फिर कोई क्लिप हो सकती है चलिए मैं आपको फिल्म के बारे में बताता हूँ कहाँ पर यह मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो बताऊँगा ही साथ ही में क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फिल्म दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है और मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टार कास्टिंग भी देखने को मिलती है अगर फ़िल्म की रेटिंग की बात करें तो जो आई है वहाँ पर टैन आउट ऑफ लगभग सिक्स की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इस मूवी को फिफ्टी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक भी किया हुआ है और जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छे लाइक मिले हुए हैं ये मूवी दोस्तों ऑफिशियल रीमेक है सेवन जी रैमबो कॉलोनी का जो कि एक, एक बढ़िया फ़िल्म रही थी और दर्शकों को वो मूवी काफ़ी पसंद भी आई थी आप में से बहुत लोगों ने शायद उस फिल्म को देखा होगा तो क्योंकि वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है लेकिन उसका हिंदी वर्जन आपको यूटूब पर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोगों को जो है इसका हिंदी वर्जन देखना है तो आपको इसका रीमेक वर्ज़न यानी कि मलाल देखना पड़ेगा मलाल जो कि 2019 की रोमांस एक्शन बेस्ड मूवी है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और 16 मिनट का है ये मूवी आपको शुरू से लेकर एंड तक तो बांधे रखती है लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे पल हैं जो कि बार बार देखने के लिए मजबूर करते हैं कई बार दोस्तों हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसके हाव भाव लुक से हम जज कर लेते हैं कि अनपढ़ गवार होगा इसके पास दिमाग नहीं होगा लेकिन कहीं बार इसका उल्टा भी हो सकता है जैसा हम सोचते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है वो इंसान या तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान जेंटलमैन निकलता है या तो वो सच में पैसे वाला निकलता है खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में तो अगर दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये काफ़ी जगह पर आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी लेकिन आप इसे ऑफिशियली देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी वो भी बेहद ही अच्छी क्वालिटी में आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मगनेश हड़वाले हैं अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो बॉलीवुड में पहले भी कुछ मूवी दे रखी है लेकिन वो इनकी जो है इतनी कामयाब नहीं रही है लेकिन जो मलाल मूवी है वो काफ़ी जो है वो प्रचलित मूवी उनकी है हालांकि इन्हें जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्होंने बहुत सी मूवीज़ पहले बना रखी है जिनके लिए इन्हें अवार्ड भी काफ़ी मिले हुए हैं जैसे कि इनकी एक मूवी थी चलो जीते हैं 2018 की वो फिल्म थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था इसके अलावा तिंग्या तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के लिए इन्होंने जो है वो अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनकी कुछ मूवीज़ आपको यूट्यूब पर शायद देखने को मिल जाएंगी तो वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है इसमें दोस्तों कोई भी शक नहीं है और मनाल मूवी भी दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी डायरेक्ट की है दुर्भाग्य से ये मूवी दोस्तों वैसे फ्लॉप रही है लेकिन फिर भी ये मूवी दोस्तों देखने लायक है फिल्म के अंदर आपको मिजन जाफरी सरमिन सैगल प्राची कदम इसवक सिंह चिमाई सरवे सोनल जहा राधा सागर बद्री चवन नंदू इसके अलावा संजय गुरबक्सी, सुनील तावड़े कोमल चाबरिया समीर दीपक दामिनी भरत पहुजा ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और सबका काम दोस्तों वैसे तो काफ़ी बढ़िया है आपको ये कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं ये जो फ़िल्म थी वो दोस्तों वो वैसे तो हिंदी के अंदर रिलीज़ हुई थी लेकिन जो इसका पहले वाला वर्जन आया था जो ओरिजिनल वर्ज़न था उसे जो तमिल और तेलुगु दो भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था इस फिल्म का ओरिजिनल वर्ज़न जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल ही है लेकिन अगर आपको मलाल देखना है तो इसके लिए आपको शायद नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ही आपको जो है वो मिल जाएंगी फिल्म के अंदर वैसे दोस्तों काफ़ी कुछ आपको दिखाया गया है एक अच्छी कहानी भी आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलती है लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि ये मूवी फ़्लॉप हुई वो शायद आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ अच्छी लगती है हो सकता है कि ये मूवी आपके लिए ब्लॉकबस्टर हो वहीं आपके दोस्त के लिए फ़्लॉप तो हर लोगों को अलग अलग तरह की फिल्में अच्छी लगती है तो आप उस हिसाब से जो फैसला कर सकते हैं ऐसी कहानियाँ हम हिंदी फिल्मों में कई बार देख चुके होंगे जहाँ पर प्यार के दुश्मन तो अमीरी गरीबी होती है या फिर जात पात होता है और मलाल के अंदर भी आपको चौल में रहने वाले टपोरी और बदमाश लड़के शिवा और वहाँ रहने वाले जो एक नई लड़की आती है आस्था चौधरी इनका जो प्यार है इनके बीच की कहानियाँ आपको दर्शाते हैं साथ ही में उनका जो बैकग्राउंड वो भी काफ़ी दोस्तों बढ़िया आपको दिखाया गया है शिव टेहरा चौल में पला बड़ा जो गुंडे करने वाला लड़का और आस्था जो कि ताल्लुक स्टॉक मार्केट से और ऐसे परिवार से रखती है जिनका पिता काफ़ी अमीर हुआ करता था मगर स्टॉक मार्केट के अंदर घाटा होने के बाद उन्हें जो है जॉल में रहने के लिए आना पड़ता है शुरुआत के अंदर सिवा आस्था जो कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं मगर धीरे दिर धीरे फिर इन दोनों के बीच में मासूम और दूसरे की मदद करने वाला स्वभाव भी आ जाता है जहाँ आस्था के घरवाले उसकी मंगनी विदेश से लौटे अमीर लड़के से कर चुके होते हैं सिवा यहाँ पर आस्था को टूट कर चाहने लगता है और वह जो है उसके लिए अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार होता है और वह आस्था के प्यार में अपनी ज़िंदगी की जो दिशा है और दशा है वो दोनों ही बदल देता है मगर तभी उन दोनों के बीच में प्यार का एक ऐसा नया दुश्मन पैदा हो जाता है जिनके आगे दोनों बेबस हो जाते हैं तो आखिरकार उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था ये तो आपको फिल्म के अंदर ही दिखाया गया है तो इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेंगी और अगर आप टी वी पर देखना चाहते हैं तो ये पहले तो सोनी मैक्स में आती थी हो सकता है कि अब और कोई टी वी चैनल के ऊपर आती हो आज एक और रोमांटिक मूवी के बारे में दोस्तों बात करेंगे जिसका क्लिप शायद आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा और आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसकी वजह भी शायद कोई रील्स या फिर कोई क्लिप हो सकती है चलिए मैं आपको फिल्म के बारे में बताता हूँ कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो बताऊँगा ही साथ ही में क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फिल्म दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है और मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टार कास्टिंग भी देखने को मिलती है अगर फ़िल्म की रेटिंग की बात करें तो जो आई है वहाँ पर टैन आउट ऑफ लगभग सिक्स की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इस मूवी को फिफ्टी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक भी किया हुआ है और जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छे लाइक मिले हुए हैं ये मूवी दोस्तों ऑफिशियल रीमेक है सेवन जी रैमबो कॉलोनी का जो कि एक, एक बढ़िया फ़िल्म रही थी और दर्शकों को वो मूवी काफ़ी पसंद भी आई थी आप में से बहुत लोगों ने शायद उस फिल्म को देखा होगा क्योंकि वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है लेकिन उसका हिंदी वर्जन आपको यूटूब पर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोगों को जो है इसका हिंदी वर्जन देखना है तो आपको इसका रीमेक वर्ज़न यानी कि मलाल देखना पड़ेगा मलाल जो कि 2019 की रोमांस एक्शन बेस्ड मूवी है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और 16 मिनट का है ये मूवी आपको शुरू से लेकर एंड तक तो बांधे रखती है लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे पल हैं जो कि बार बार देखने के लिए मजबूर करते हैं कई बार दोस्तों हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसके हाव भाव लुक से हम जज कर लेते हैं कि अनपढ़ गवार होगा इसके पास दिमाग नहीं होगा लेकिन कहीं बार इसका उल्टा भी हो सकता है जैसा हम सोचते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है वो इंसान या तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान जेंटलमैन निकलता है या तो वो सच में पैसे वाला निकलता है खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में तो अगर दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये काफ़ी जगह पर आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी लेकिन आप इसे ऑफिशियली देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी वो भी बेहद ही अच्छी क्वालिटी में आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मगनेश हड़वाले हैं अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो बॉलीवुड में पहले भी कुछ मूवी दे रखी है लेकिन वो इनकी जो है इतनी कामयाब नहीं रही है लेकिन जो मलाल मूवी है वो काफ़ी जो है वो प्रचलित मूवी उनकी है हालांकि इन्हें जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्होंने बहुत सी मूवीज़ पहले बना रखी है जिनके लिए इन्हें अवार्ड भी काफ़ी मिले हुए हैं जैसे कि इनकी एक मूवी थी चलो जीते हैं 2018 की वो फिल्म थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था इसके अलावा तिंग्या तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के लिए इन्होंने जो है वो अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनकी कुछ मूवीज़ आपको यूट्यूब पर शायद देखने को मिल जाएंगी तो वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है इसमें दोस्तों कोई भी शक नहीं है और मनाल मूवी भी दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी डायरेक्ट की है दुर्भाग्य से ये मूवी दोस्तों वैसे फ्लॉप रही है लेकिन फिर भी ये मूवी दोस्तों देखने लायक है फिल्म के अंदर आपको मिजन जाफरी सरमिन सैगल प्राची कदम इसवक सिंह चिमाई सरवे सोनल जहा राधा सागर बद्री चवन नंदू इसके अलावा संजय गुरबक्सी, सुनील तावड़े कोमल चाबरिया समीर दीपक दामिनी भरत पहुजा ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और सबका काम दोस्तों वैसे तो काफ़ी बढ़िया है आपको ये कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं ये जो फ़िल्म थी वो दोस्तों वो वैसे तो हिंदी के अंदर रिलीज़ हुई थी लेकिन जो इसका पहले वाला वर्जन आया था जो ओरिजिनल वर्ज़न था उसे जो तमिल और तेलुगु दो भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था इस फिल्म का ओरिजिनल वर्ज़न जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल ही है लेकिन अगर आपको मलाल देखना है तो इसके लिए आपको शायद नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ही आपको जो है वो मिल जाएंगी फिल्म के अंदर वैसे दोस्तों काफ़ी कुछ आपको दिखाया गया है एक अच्छी कहानी भी आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलती है लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि ये मूवी फ़्लॉप हुई वो शायद आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ अच्छी लगती है हो सकता है कि ये मूवी आपके लिए ब्लॉकबस्टर हो वहीं आपके दोस्त के लिए फ़्लॉप तो हर लोगों को अलग अलग तरह की फिल्में अच्छी लगती है तो आप उस हिसाब से जो फैसला कर सकते हैं ऐसी कहानियाँ हम हिंदी फिल्मों में कई बार देख चुके होंगे जहाँ पर प्यार के दुश्मन तो अमीरी गरीबी होती है या फिर जात पात होता है और मलाल के अंदर भी आपको चौल में रहने वाले टपोरी और बदमाश लड़के शिवा और वहाँ रहने वाले जो एक नई लड़की आती है आस्था चौधरी इनका जो प्यार है इनके बीच की कहानियाँ आपको दर्शाते हैं साथ ही में उनका जो बैकग्राउंड वो भी काफ़ी दोस्तों बढ़िया आपको दिखाया गया है शिव टेहरा चौल में पला बड़ा जो गुंडे करने वाला लड़का और आस्था जो कि ताल्लुक स्टॉक मार्केट से और ऐसे परिवार से रखती है जिनका पिता काफ़ी अमीर हुआ करता था मगर स्टॉक मार्केट के अंदर घाटा होने के बाद उन्हें जो है चौल में रहने के लिए आना पड़ता है शुरुआत के अंदर सिवा आस्था जो कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं मगर धीरे दिर धीरे फिर इन दोनों के बीच में मासूम और दूसरे की मदद करने वाला स्वभाव भी आ जाता है जहाँ आस्था के घरवाले उसकी मंगनी विदेश से लौटे अमीर लड़के से कर चुके होते हैं सिवा यहाँ पर आस्था को टूट कर चाहने लगता है और वह जो है उसके लिए अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार होता है और वह आस्था के प्यार में अपनी ज़िंदगी की जो दिशा है और दशा है वो दोनों ही बदल देता है मगर तभी उन दोनों के बीच में प्यार का एक ऐसा नया दुश्मन पैदा हो जाता है जिनके आगे दोनों बेबस हो जाते हैं तो आखिरकार उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था ये तो आपको फिल्म के अंदर ही दिखाया गया है तो इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेंगी और अगर आप टी वी पर देखना चाहते हैं तो ये पहले तो सोनी मैक्स में आती थी हो सकता है कि अब और कोई टी वी चैनल के ऊपर आती हो आज एक और रोमांटिक मूवी के बारे में दोस्तों बात करेंगे जिसका क्लिप शायद आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा और आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसकी वजह भी शायद कोई रील्स या फिर कोई क्लिप हो सकती है चलिए मैं आपको फिल्म के बारे में बताता हूँ कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो बताऊँगा ही साथ ही में क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फिल्म दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है और मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टार कास्टिंग भी देखने को मिलती है अगर फ़िल्म की रेटिंग की बात करें तो जो आई है वहाँ पर टैन आउट ऑफ लगभग सिक्स की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इस मूवी को फिफ्टी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक भी किया हुआ है और जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छे लाइक मिले हुए हैं ये मूवी दोस्तों ऑफिशियल रीमेक है सेवन जी रैमबो कॉलोनी का जो कि एक, एक बढ़िया फ़िल्म रही थी और दर्शकों को वो मूवी काफ़ी पसंद भी आई थी आप में से बहुत लोगों ने शायद उस फिल्म को देखा होगा क्योंकि वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है लेकिन उसका हिंदी वर्जन आपको यूटूब पर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोगों को जो है इसका हिंदी वर्जन देखना है तो आपको इसका रीमेक वर्ज़न यानी कि मलाल देखना पड़ेगा मलाल जो कि 2019 की रोमांस एक्शन बेस्ड मूवी है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और 16 मिनट का है ये मूवी आपको शुरू से लेकर एंड तक तो बांधे रखती है लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे पल हैं जो कि बार बार देखने के लिए मजबूर करते हैं कई बार दोस्तों हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसके हाव भाव लुक से हम जज कर लेते हैं कि अनपढ़ गवार होगा इसके पास दिमाग नहीं होगा लेकिन कहीं बार इसका उल्टा भी हो सकता है जैसा हम सोचते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है वो इंसान या तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान जेंटलमैन निकलता है या तो वो सच में पैसे वाला निकलता है खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में तो अगर दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये काफ़ी जगह पर आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी लेकिन आप इसे ऑफिशियली देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी वो भी बेहद ही अच्छी क्वालिटी में आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मगनेश हड़वाले हैं अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो बॉलीवुड में पहले भी कुछ मूवी दे रखी है लेकिन वो इनकी जो है इतनी कामयाब नहीं रही है लेकिन जो मलाल मूवी है वो काफ़ी जो है वो प्रचलित मूवी उनकी है हालांकि इन्हें जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्होंने बहुत सी मूवीज़ पहले बना रखी है जिनके लिए इन्हें अवार्ड भी काफ़ी मिले हुए हैं जैसे कि इनकी एक मूवी थी चलो जीते हैं 2018 की वो फिल्म थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था इसके अलावा तिंग्या तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के लिए इन्होंने जो है वो अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनकी कुछ मूवीज़ आपको यूट्यूब पर शायद देखने को मिल जाएंगी तो वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है इसमें दोस्तों कोई भी शक नहीं है और मनाल मूवी भी दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी डायरेक्ट की है दुर्भाग्य से ये मूवी दोस्तों वैसे फ्लॉप रही है लेकिन फिर भी ये मूवी दोस्तों देखने लायक है फिल्म के अंदर आपको मिजन जाफरी सरमिन सैगल प्राची कदम इसवक सिंह चिमाई सरवे सोनल जहा राधा सागर बद्री चवन नंदू इसके अलावा संजय गुरबक्सी, सुनील तावड़े कोमल चाबरिया समीर दीपक दामिनी भरत पहुजा ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और सबका काम दोस्तों वैसे तो काफ़ी बढ़िया है आपको ये कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं ये जो फ़िल्म थी वो दोस्तों वो वैसे तो हिंदी के अंदर रिलीज़ हुई थी लेकिन जो इसका पहले वाला वर्जन आया था जो ओरिजिनल वर्ज़न था उसे जो तमिल और तेलुगु दो भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था इस फिल्म का ओरिजिनल वर्ज़न जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल ही है लेकिन अगर आपको मलाल देखना है तो इसके लिए आपको शायद नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ही आपको जो है वो मिल जाएंगी फिल्म के अंदर वैसे दोस्तों काफ़ी कुछ आपको दिखाया गया है एक अच्छी कहानी भी आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलती है लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि ये मूवी फ्लॉप हुई वो शायद आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ अच्छी लगती है हो सकता है कि ये मूवी आपके लिए ब्लॉकबस्टर हो वहीं आपके दोस्त के लिए फ़्लॉप तो हर लोगों को अलग अलग तरह की फिल्में अच्छी लगती है तो आप उस हिसाब से जो फैसला कर सकते हैं ऐसी कहानियाँ हम हिंदी फिल्मों में कई बार देख चुके होंगे जहाँ पर प्यार के दुश्मन तो अमीरी गरीबी होती है या फिर जात पात होता है और मलाल के अंदर भी आपको चौल में रहने वाले टपोरी और बदमाश लड़के शिवा और वहाँ रहने वाले जो एक नई लड़की आती है आस्था चौधरी इनका जो प्यार है इनके बीच की कहानियाँ आपको दर्शाते हैं साथ ही में उनका जो बैकग्राउंड वो भी काफ़ी दोस्तों बढ़िया आपको दिखाया गया है शिव टेहरा चौल में पला बड़ा जो गुंडे करने वाला लड़का और आस्था जो कि ताल्लुक स्टॉक मार्केट से और ऐसे परिवार से रखती है जिनका पिता काफ़ी अमीर हुआ करता था मगर स्टॉक मार्केट के अंदर घाटा होने के बाद उन्हें जो है जॉल में रहने के लिए आना पड़ता है शुरुआत के अंदर सिवा आस्था जो कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं मगर धीरे दिर धीरे फिर इन दोनों के बीच में मासूम और दूसरे की मदद करने वाला स्वभाव भी आ जाता है जहाँ आस्था के घरवाले उसकी मंगनी विदेश से लौटे अमीर लड़के से कर चुके होते हैं सिवा यहाँ पर आस्था को टूट कर चाहने लगता है और वह जो है उसके लिए अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार होता है और वह आस्था के प्यार में अपनी ज़िंदगी की जो दिशा है और दशा है वो दोनों ही बदल देता है मगर तभी उन दोनों के बीच में प्यार का एक ऐसा नया दुश्मन पैदा हो जाता है जिनके आगे दोनों बेबस हो जाते हैं तो आखिरकार उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था ये तो आपको फिल्म के अंदर ही दिखाया गया है तो इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेंगी और अगर आप टी वी पर देखना चाहते हैं तो ये पहले तो सोनी मैक्स में आती थी हो सकता है कि अब और, और कोई टी वी चैनल के ऊपर आती हो आज एक और रोमांटिक मूवी के बारे में दोस्तों बात करेंगे जिसका क्लिप शायद आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा और आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसकी वजह भी शायद कोई रील्स या फिर कोई क्लिप हो सकती है चलिए मैं आपको फिल्म के बारे में बताता हूँ कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो बताऊँगा ही साथ ही में क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फिल्म दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है और मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टार कास्टिंग भी देखने को मिलती है अगर फ़िल्म की रेटिंग की बात करें तो जो आई है वहाँ पर टैन आउट ऑफ लगभग सिक्स की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इस मूवी को फिफ्टी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक भी किया हुआ है और जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छे लाइक मिले हुए हैं ये मूवी दोस्तों ऑफिशियल रीमेक है सेवन जी रैमबो कॉलोनी का जो कि एक, एक बढ़िया फ़िल्म रही थी और दर्शकों को वो मूवी काफ़ी पसंद भी आई थी आप में से बहुत लोगों ने शायद उस फिल्म को देखा होगा क्योंकि वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है लेकिन उसका हिंदी वर्जन आपको यूटूब पर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोगों को जो है इसका हिंदी वर्जन देखना है तो आपको इसका रीमेक वर्ज़न यानी कि मलाल देखना पड़ेगा मलाल जो कि 2019 की रोमांस एक्शन बेस्ड मूवी है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और 16 मिनट का है ये मूवी आपको शुरू से लेकर एंड तक तो बांधे रखती है लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे पल हैं जो कि बार बार देखने के लिए मजबूर करते हैं कई बार दोस्तों हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसके हाव भाव लुक से हम जज कर लेते हैं कि अनपढ़ गवार होगा इसके पास दिमाग नहीं होगा लेकिन कहीं बार इसका उल्टा भी हो सकता है जैसा हम सोचते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है वो इंसान या तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान जेंटलमैन निकलता है या तो वो सच में पैसे वाला निकलता है खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में तो अगर दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये काफ़ी जगह पर आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी लेकिन आप इसे ऑफिशियली देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी वो भी बेहद ही अच्छी क्वालिटी में आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मगनेश हड़वाले हैं अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो बॉलीवुड में पहले भी कुछ मूवी दे रखी है लेकिन वो इनकी जो है इतनी कामयाब नहीं रही है लेकिन जो मलाल मूवी है वो काफ़ी जो है वो प्रचलित मूवी उनकी है हालांकि इन्हें जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्होंने बहुत सी मूवीज़ पहले बना रखी है जिनके लिए इन्हें अवार्ड भी काफ़ी मिले हुए हैं जैसे कि इनकी एक मूवी थी चलो जीते हैं 2018 की वो फिल्म थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था इसके अलावा तिंग्या तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के लिए इन्होंने जो है वो अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनकी कुछ मूवीज़ आपको यूट्यूब पर शायद देखने को मिल जाएंगी तो वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है इसमें दोस्तों कोई भी शक नहीं है और मनाल मूवी भी दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी डायरेक्ट की है दुर्भाग्य से ये मूवी दोस्तों वैसे फ्लॉप रही है लेकिन फिर भी ये मूवी दोस्तों देखने लायक है फिल्म के अंदर आपको मिजन जाफरी सरमिन सैगल प्राची कदम इसवक सिंह चिमाई सरवे सोनल जहा राधा सागर बद्री चवन नंदू इसके अलावा संजय गुरबक्सी, सुनील तावड़े कोमल चाबरिया समीर दीपक दामिनी भरत पहुजा ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और सबका काम दोस्तों वैसे तो काफ़ी बढ़िया है आपको ये कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं ये जो फ़िल्म थी वो दोस्तों वो वैसे तो हिंदी के अंदर रिलीज़ हुई थी लेकिन जो इसका पहले वाला वर्जन आया था जो ओरिजिनल वर्ज़न था उसे जो तमिल और तेलुगु दो भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था इस फिल्म का ओरिजिनल वर्ज़न जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल ही है लेकिन अगर आपको मलाल देखना है तो इसके लिए आपको शायद नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ही आपको जो है वो मिल जाएंगी फिल्म के अंदर वैसे दोस्तों काफ़ी कुछ आपको दिखाया गया है एक अच्छी कहानी भी आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलती है लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि ये मूवी फ्लॉप हुई वो शायद आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ अच्छी लगती है हो सकता है कि ये मूवी आपके लिए ब्लॉकबस्टर हो वहीं आपके दोस्त के लिए फ़्लॉप तो हर लोगों को अलग अलग तरह की फिल्में अच्छी लगती है तो आप उस हिसाब से जो फैसला कर सकते हैं ऐसी कहानियाँ हम हिंदी फिल्मों में कई बार देख चुके होंगे जहाँ पर प्यार के दुश्मन तो अमीरी गरीबी होती है या फिर जात पात होता है और मलाल के अंदर भी आपको चौल में रहने वाले टपोरी और बदमाश लड़के शिवा और वहाँ रहने वाले जो एक नई लड़की आती है आस्था चौधरी इनका जो प्यार है इनके बीच की कहानियाँ आपको दर्शाते हैं साथ ही में उनका जो बैकग्राउंड वो भी काफ़ी दोस्तों बढ़िया आपको दिखाया गया है शिव टेहरा चौल में पला बड़ा जो गुंडे करने वाला लड़का और आस्था जो कि ताल्लुक स्टॉक मार्केट से और ऐसे परिवार से रखती है जिनका पिता काफ़ी अमीर हुआ करता था मगर स्टॉक मार्केट के अंदर घाटा होने के बाद उन्हें जो है चौल में रहने के लिए आना पड़ता है शुरुआत के अंदर सिवा आस्था जो कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं मगर धीरे दिर धीरे फिर इन दोनों के बीच में मासूम और दूसरे की मदद करने वाला स्वभाव भी आ जाता है जहाँ आस्था के घरवाले उसकी मंगनी विदेश से लौटे अमीर लड़के से कर चुके होते हैं सिवा यहाँ पर आस्था को टूट कर चाहने लगता है और वह जो है उसके लिए अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार होता है और वह आस्था के प्यार में अपनी ज़िंदगी की जो दिशा है और दशा है वो दोनों ही बदल देता है मगर तभी उन दोनों के बीच में प्यार का एक ऐसा नया दुश्मन पैदा हो जाता है जिनके आगे दोनों बेबस हो जाते हैं तो आखिरकार उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था ये तो आपको फिल्म के अंदर ही दिखाया गया है तो इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेंगी और अगर आप टी वी पर देखना चाहते हैं तो ये पहले तो सोनी मैक्स में आती थी हो सकता है कि अब और कोई टी वी चैनल के ऊपर आती हो आज एक और रोमांटिक मूवी के बारे में दोस्तों बात करेंगे जिसका क्लिप शायद आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा और आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसकी वजह भी शायद कोई रील्स या फिर कोई क्लिप हो सकती है चलिए मैं आपको फिल्म के बारे में बताता हूँ कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो बताऊँगा ही साथ ही में क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फिल्म दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है और मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टार कास्टिंग भी देखने को मिलती है अगर फ़िल्म की रेटिंग की बात करें तो जो आई है वहाँ पर टैन आउट ऑफ लगभग सिक्स की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इस मूवी को फिफ्टी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक भी किया हुआ है और जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छे लाइक मिले हुए हैं ये मूवी दोस्तों ऑफिशियल रीमेक है सेवन जी रैमबो कॉलोनी का जो कि एक, एक बढ़िया फ़िल्म रही थी और दर्शकों को वो मूवी काफ़ी पसंद भी आई थी आप में से बहुत लोगों ने शायद उस फिल्म को देखा होगा क्योंकि वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है लेकिन उसका हिंदी वर्जन आपको यूटूब पर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोगों को जो है इसका हिंदी वर्जन देखना है तो आपको इसका रीमेक वर्ज़न यानी कि मलाल देखना पड़ेगा मलाल जो कि 2019 की रोमांस एक्शन बेस्ड मूवी है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और 16 मिनट का है ये मूवी आपको शुरू से लेकर एंड तक तो बांधे रखती है लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे पल हैं जो कि बार बार देखने के लिए मजबूर करते हैं कई बार दोस्तों हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसके हाव भाव लुक से हम जज कर लेते हैं कि अनपढ़ गवार होगा इसके पास दिमाग नहीं होगा लेकिन कहीं बार इसका उल्टा भी हो सकता है जैसा हम सोचते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है वो इंसान या तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान जेंटलमैन निकलता है या तो वो सच में पैसे वाला निकलता है खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में तो अगर दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये काफ़ी जगह पर आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी लेकिन आप इसे ऑफिशियली देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी वो भी बेहद ही अच्छी क्वालिटी में आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मगनेश हड़वाले हैं अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो बॉलीवुड में पहले भी कुछ मूवी दे रखी है लेकिन वो इनकी जो है इतनी कामयाब नहीं रही है लेकिन जो मलाल मूवी है वो काफ़ी जो है वो प्रचलित मूवी उनकी है हालांकि इन्हें जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्होंने बहुत सी मूवीज़ पहले बना रखी है जिनके लिए इन्हें अवार्ड भी काफ़ी मिले हुए हैं जैसे कि इनकी एक मूवी थी चलो जीते हैं 2018 की वो फिल्म थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था इसके अलावा तिंग्या तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के लिए इन्होंने जो है वो अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनकी कुछ मूवीज़ आपको यूट्यूब पर शायद देखने को मिल जाएंगी तो वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है इसमें दोस्तों कोई भी शक नहीं है और मनाल मूवी भी दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी डायरेक्ट की है दुर्भाग्य से ये मूवी दोस्तों वैसे फ्लॉप रही है लेकिन फिर भी ये मूवी दोस्तों देखने लायक है फिल्म के अंदर आपको मिजन जाफरी सरमिन सैगल प्राची कदम इसवक सिंह चिमाई सरवे सोनल जहा राधा सागर बद्री चवन नंदू इसके अलावा संजय गुरबक्सी, सुनील तावड़े कोमल चाबरिया समीर दीपक दामिनी भरत पहुजा ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और सबका काम दोस्तों वैसे तो काफ़ी बढ़िया है आपको ये कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं ये जो फ़िल्म थी वो दोस्तों वो वैसे तो हिंदी के अंदर रिलीज़ हुई थी लेकिन जो इसका पहले वाला वर्जन आया था जो ओरिजिनल वर्ज़न था उसे जो तमिल और तेलुगु दो भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था इस फिल्म का ओरिजिनल वर्ज़न जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल ही है लेकिन अगर आपको मलाल देखना है तो इसके लिए आपको शायद नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ही आपको जो है वो मिल जाएंगी फिल्म के अंदर वैसे दोस्तों काफ़ी कुछ आपको दिखाया गया है एक अच्छी कहानी भी आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलती है लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि ये मूवी फ्लॉप हुई वो शायद आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ अच्छी लगती है हो सकता है कि ये मूवी आपके लिए ब्लॉकबस्टर हो वहीं आपके दोस्त के लिए फ़्लॉप तो हर लोगों को अलग अलग तरह की फिल्में अच्छी लगती है तो आप उस हिसाब से जो फैसला कर सकते हैं ऐसी कहानियाँ हम हिंदी फिल्मों में कई बार देख चुके होंगे जहाँ पर प्यार के दुश्मन तो अमीरी गरीबी होती है या फिर जात पात होता है और मलाल के अंदर भी आपको चौल में रहने वाले टपोरी और बदमाश लड़के शिवा और वहाँ रहने वाले जो एक नई लड़की आती है आस्था चौधरी इनका जो प्यार है इनके बीच की कहानियाँ आपको दर्शाते हैं साथ ही में उनका जो बैकग्राउंड वो भी काफ़ी दोस्तों बढ़िया आपको दिखाया गया है शिव टेहरा चौल में पला बड़ा जो गुंडे करने वाला लड़का और आस्था जो कि ताल्लुक स्टॉक मार्केट से और ऐसे परिवार से रखती है जिनका पिता काफ़ी अमीर हुआ करता था मगर स्टॉक मार्केट के अंदर घाटा होने के बाद उन्हें जो है चौल में रहने के लिए आना पड़ता है शुरुआत के अंदर सिवा आस्था जो कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं मगर धीरे दिर धीरे फिर इन दोनों के बीच में मासूम और दूसरे की मदद करने वाला स्वभाव भी आ जाता है जहाँ आस्था के घरवाले उसकी मंगनी विदेश से लौटे अमीर लड़के से कर चुके होते हैं सिवा यहाँ पर आस्था को टूट कर चाहने लगता है और वह जो है उसके लिए अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार होता है और वह आस्था के प्यार में अपनी ज़िंदगी की जो दिशा है और दशा है वो दोनों ही बदल देता है मगर तभी उन दोनों के बीच में प्यार का एक ऐसा नया दुश्मन पैदा हो जाता है जिनके आगे दोनों बेबस हो जाते हैं तो आखिरकार उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था ये तो आपको फिल्म के अंदर ही दिखाया गया है तो इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेंगी और अगर आप टी वी पर देखना चाहते हैं तो ये पहले तो सोनी मैक्स में आती थी हो सकता है कि अब और कोई टी वी चैनल के ऊपर आती हो आज एक और रोमांटिक मूवी के बारे में दोस्तों बात करेंगे जिसका क्लिप शायद आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा और आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसकी वजह भी शायद कोई रील्स या फिर कोई क्लिप हो सकती है चलिए मैं आपको फिल्म के बारे में बताता हूँ कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो बताऊँगा ही साथ ही में क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फिल्म दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है और मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टार कास्टिंग भी देखने को मिलती है अगर फ़िल्म की रेटिंग की बात करें तो जो आई है वहाँ पर टैन आउट ऑफ लगभग सिक्स की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इस मूवी को फिफ्टी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक भी किया हुआ है और जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छे लाइक मिले हुए हैं ये मूवी दोस्तों ऑफिशियल रीमेक है सेवन जी रैमबो कॉलोनी का जो कि एक, एक बढ़िया फ़िल्म रही थी और दर्शकों को वो मूवी काफ़ी पसंद भी आई थी आप में से बहुत लोगों ने शायद उस फिल्म को देखा होगा क्योंकि वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है लेकिन उसका हिंदी वर्ज़न आपको यूटूब पर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोगों को जो है इसका हिंदी वर्जन देखना है तो आपको इसका रीमेक वर्ज़न यानी कि मलाल देखना पड़ेगा मलाल जो कि 2019 की रोमांस एक्शन बेस्ड मूवी है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और 16 मिनट का है ये मूवी आपको शुरू से लेकर एंड तक तो बांधे रखती है लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे पल हैं जो कि बार बार देखने के लिए मजबूर करते हैं कई बार दोस्तों हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसके हाव भाव लुक से हम जज कर लेते हैं कि अनपढ़ गवार होगा इसके पास दिमाग नहीं होगा लेकिन कहीं बार इसका उल्टा भी हो सकता है जैसा हम सोचते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है वो इंसान या तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान जेंटलमैन निकलता है या तो वो सच में पैसे वाला निकलता है खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में तो अगर दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये काफ़ी जगह पर आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी लेकिन आप इसे ऑफिशियली देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी वो भी बेहद ही अच्छी क्वालिटी में आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मगनेश हड़वाले हैं अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो बॉलीवुड में पहले भी कुछ मूवी दे रखी है लेकिन वो इनकी जो है इतनी कामयाब नहीं रही है लेकिन जो मलाल मूवी है वो काफ़ी जो है वो प्रचलित मूवी उनकी है हालांकि इन्हें जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्होंने बहुत सी मूवीज़ पहले बना रखी है जिनके लिए इन्हें अवार्ड भी काफ़ी मिले हुए हैं जैसे कि इनकी एक मूवी थी चलो जीते हैं 2018 की वो फिल्म थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था इसके अलावा तिंग्या तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के लिए इन्होंने जो है वो अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनकी कुछ मूवीज़ आपको यूट्यूब पर शायद देखने को मिल जाएंगी तो वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है इसमें दोस्तों कोई भी शक नहीं है और मनाल मूवी भी दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी डायरेक्ट की है दुर्भाग्य से ये मूवी दोस्तों वैसे फ्लॉप रही है लेकिन फिर भी ये मूवी दोस्तों देखने लायक है फिल्म के अंदर आपको मिजन जाफरी सरमिन सैगल प्राची कदम इसवक सिंह चिमाई सरवे सोनल जहा राधा सागर बद्री चवन नंदू इसके अलावा संजय गुरबक्सी, सुनील तावड़े कोमल चाबरिया समीर दीपक दामिनी भरत पहुजा ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और सबका काम दोस्तों वैसे तो काफ़ी बढ़िया है आपको ये कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं ये जो फ़िल्म थी वो दोस्तों वो वैसे तो हिंदी के अंदर रिलीज़ हुई थी लेकिन जो इसका पहले वाला वर्ज़न आया था जो ओरिजिनल वर्ज़न था उसे जो तमिल और तेलुगु दो भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल ही है लेकिन अगर आपको मलाल देखना है तो इसके लिए आपको शायद नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ही आपको जो है वो मिल जाएंगी फिल्म के अंदर वैसे दोस्तों काफ़ी कुछ आपको दिखाया गया है एक अच्छी कहानी भी आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलती है लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि ये मूवी फ्लॉप हुई वो शायद आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ अच्छी लगती है हो सकता है कि ये मूवी आपके लिए ब्लॉकबस्टर हो वहीं आपके दोस्त के लिए फ़्लॉप तो हर लोगों को अलग अलग तरह की फिल्में अच्छी लगती है तो आप उस हिसाब से जो फैसला कर सकते हैं ऐसी कहानियाँ हम हिंदी फिल्मों में कई बार देख चुके होंगे जहाँ पर प्यार के दुश्मन तो अमीरी गरीबी होती है या फिर जात पात होता है और मलाल के अंदर भी आपको चौल में रहने वाले टपोरी और बदमाश लड़के शिवा और वहाँ रहने वाले जो एक नई लड़की आती है आस्था चौधरी इनका जो प्यार है इनके बीच की कहानियाँ आपको दर्शाते हैं साथ ही में उनका जो बैकग्राउंड वो भी काफ़ी दोस्तों बढ़िया आपको दिखाया गया है शिव टेहरा चौल में पला बड़ा जो गुंडे करने वाला लड़का और आस्था जो कि ताल्लुक स्टॉक मार्केट से और ऐसे परिवार से रखती है जिनका पिता काफ़ी अमीर हुआ करता था मगर स्टॉक मार्केट के अंदर घाटा होने के बाद उन्हें जो है चौल में रहने के लिए आना पड़ता है शुरुआत के अंदर सिवा आस्था जो कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं मगर धीरे दिर धीरे फिर इन दोनों के बीच में मासूम और दूसरे की मदद करने वाला स्वभाव भी आ जाता है जहाँ आस्था के घरवाले उसकी मंगनी विदेश से लौटे अमीर लड़के से कर चुके होते हैं सिवा यहाँ पर आस्था को टूट कर चाहने लगता है और वह जो है उसके लिए अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार होता है और वह आस्था के प्यार में अपनी ज़िंदगी की जो दिशा है और दशा है वो दोनों ही बदल देता है मगर तभी उन दोनों के बीच में प्यार का एक ऐसा नया दुश्मन पैदा हो जाता है जिनके आगे दोनों बेबस हो जाते हैं तो आखिरकार उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था ये तो आपको फिल्म के अंदर ही दिखाया गया है तो इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेंगी और अगर आप टी वी पर देखना चाहते हैं तो ये पहले तो सोनी मैक्स में आती थी हो सकता है कि अब और कोई टी वी चैनल के ऊपर आती हो आज एक और रोमांटिक मूवी के बारे में दोस्तों बात करेंगे जिसका क्लिप शायद आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा और आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसकी वजह भी शायद कोई रील्स या फिर कोई क्लिप हो सकती है चलिए मैं आपको फिल्म के बारे में बताता हूँ कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो बताऊँगा ही साथ ही में क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फिल्म दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है और मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टार कास्टिंग भी देखने को मिलती है अगर फ़िल्म की रेटिंग की बात करें तो जो आई है वहाँ पर टैन आउट ऑफ लगभग सिक्स की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इस मूवी को फिफ्टी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक भी किया हुआ है और जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छे लाइक मिले हुए हैं ये मूवी दोस्तों ऑफिशियल रीमेक है सेवन जी रैमबो कॉलोनी का जो कि एक, एक बढ़िया फ़िल्म रही थी और दर्शकों को वो मूवी काफ़ी पसंद भी आई थी आप में से बहुत लोगों ने शायद उस फिल्म को देखा होगा क्योंकि वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है लेकिन उसका हिंदी वर्जन आपको यूटूब पर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोगों को जो है इसका हिंदी वर्जन देखना है तो आपको इसका रीमेक वर्ज़न यानी कि मलाल देखना पड़ेगा मलाल जो कि 2019 की रोमांस एक्शन बेस्ड मूवी है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और 16 मिनट का है ये मूवी आपको शुरू से लेकर एंड तक तो बांधे रखती है लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे पल हैं जो कि बार बार देखने के लिए मजबूर करते हैं कई बार दोस्तों हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसके हाव भाव लुक से हम जज कर लेते हैं कि अनपढ़ गवार होगा इसके पास दिमाग नहीं होगा लेकिन कहीं बार इसका उल्टा भी हो सकता है जैसा हम सोचते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है वो इंसान या तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान जेंटलमैन निकलता है या तो वो सच में पैसे वाला निकलता है खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में तो अगर दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये काफ़ी जगह पर आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी लेकिन आप इसे ऑफिशियली देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी वो भी बेहद ही अच्छी क्वालिटी में आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मगनेश हड़वाले हैं अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो बॉलीवुड में पहले भी कुछ मूवी दे रखी है लेकिन वो इनकी जो है इतनी कामयाब नहीं रही है लेकिन जो मलाल मूवी है वो काफ़ी जो है वो प्रचलित मूवी उनकी है हालांकि इन्हें जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्होंने बहुत सी मूवीज़ पहले बना रखी है जिनके लिए इन्हें अवार्ड भी काफ़ी मिले हुए हैं जैसे कि इनकी एक मूवी थी चलो जीते हैं 2018 की वो फिल्म थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था इसके अलावा तिंग्या तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के लिए इन्होंने जो है वो अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनकी कुछ मूवीज़ आपको यूट्यूब पर शायद देखने को मिल जाएंगी तो वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है इसमें दोस्तों कोई भी शक नहीं है और मनाल मूवी भी दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी डायरेक्ट की है दुर्भाग्य से ये मूवी दोस्तों वैसे फ्लॉप रही है लेकिन फिर भी ये मूवी दोस्तों देखने लायक है फिल्म के अंदर आपको मिजन जाफरी सरमिन सैगल प्राची कदम इसवक सिंह चिमाई सरवे सोनल जहा राधा सागर बद्री चवन नंदू इसके अलावा संजय गुरबक्सी, सुनील तावड़े कोमल चाबरिया समीर दीपक दामिनी भरत पहुजा ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और सबका काम दोस्तों वैसे तो काफ़ी बढ़िया है आपको ये कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं ये जो फ़िल्म थी वो दोस्तों वो वैसे तो हिंदी के अंदर रिलीज़ हुई थी लेकिन जो इसका पहले वाला वर्ज़न आया था जो ओरिजिनल वर्ज़न था उसे जो तमिल और तेलुगु दो भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल ही है लेकिन अगर आपको मलाल देखना है तो इसके लिए आपको शायद नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ही आपको जो है वो मिल जाएंगी फिल्म के अंदर वैसे दोस्तों काफ़ी कुछ आपको दिखाया गया है एक अच्छी कहानी भी आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलती है लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि ये मूवी फ्लॉप हुई वो शायद आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ अच्छी लगती है हो सकता है कि ये मूवी आपके लिए ब्लॉकबस्टर हो वहीं आपके दोस्त के लिए फ़्लॉप तो हर लोगों को अलग अलग तरह की फिल्में अच्छी लगती है तो आप उस हिसाब से जो फैसला कर सकते हैं ऐसी कहानियाँ हम हिंदी फिल्मों में कई बार देख चुके होंगे जहाँ पर प्यार के दुश्मन तो अमीरी गरीबी होती है या फिर जात पात होता है और मलाल के अंदर भी आपको चौल में रहने वाले टपोरी और बदमाश लड़के शिवा और वहाँ रहने वाले जो एक नई लड़की आती है आस्था चौधरी इनका जो प्यार है इनके बीच की कहानियाँ आपको दर्शाते हैं साथ ही में उनका जो बैकग्राउंड वो भी काफ़ी दोस्तों बढ़िया आपको दिखाया गया है शिव टेहरा चौल में पला बड़ा जो गुंडे करने वाला लड़का और आस्था जो कि ताल्लुक स्टॉक मार्केट से और ऐसे परिवार से रखती है जिनका पिता काफ़ी अमीर हुआ करता था मगर स्टॉक मार्केट के अंदर घाटा होने के बाद उन्हें जो है चौल में रहने के लिए आना पड़ता है शुरुआत के अंदर सिवा आस्था जो कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं मगर धीरे दिर धीरे फिर इन दोनों के बीच में मासूम और दूसरे की मदद करने वाला स्वभाव भी आ जाता है जहाँ आस्था के घरवाले उसकी मंगनी विदेश से लौटे अमीर लड़के से कर चुके होते हैं सिवा यहाँ पर आस्था को टूट कर चाहने लगता है और वह जो है उसके लिए अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार होता है और वह आस्था के प्यार में अपनी ज़िंदगी की जो दिशा है और दशा है वो दोनों ही बदल देता है मगर तभी उन दोनों के बीच में प्यार का एक ऐसा नया दुश्मन पैदा हो जाता है जिनके आगे दोनों बेबस हो जाते हैं तो आखिरकार उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था ये तो आपको फिल्म के अंदर ही दिखाया गया है तो इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेंगी और अगर आप टी वी पर देखना चाहते हैं तो ये पहले तो सोनी मैक्स में आती थी हो सकता है कि अब और, और कोई टी वी चैनल के ऊपर आती हो आज एक और रोमांटिक मूवी के बारे में दोस्तों बात करेंगे जिसका क्लिप शायद आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा और आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसकी वजह भी शायद कोई रील्स या फिर कोई क्लिप हो सकती है चलिए मैं आपको फिल्म के बारे में बताता हूँ कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो बताऊँगा ही साथ ही में क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फिल्म दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है और मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टार कास्टिंग भी देखने को मिलती है अगर फ़िल्म की रेटिंग की बात करें तो जो आई है वहाँ पर टैन आउट ऑफ लगभग सिक्स की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इस मूवी को फिफ्टी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक भी किया हुआ है और जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छे लाइक मिले हुए हैं ये मूवी दोस्तों ऑफिशियल रीमेक है सेवन जी रैमबो कॉलोनी का जो कि एक, एक बढ़िया फ़िल्म रही थी और दर्शकों को वो मूवी काफ़ी पसंद भी आई थी आप में से बहुत लोगों ने शायद उस फिल्म को देखा होगा क्योंकि वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है लेकिन उसका हिंदी वर्जन आपको यूटूब पर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोगों को जो है इसका हिंदी वर्जन देखना है तो आपको इसका रीमेक वर्ज़न यानी कि मलाल देखना पड़ेगा मलाल जो कि 2019 की रोमांस एक्शन बेस्ड मूवी है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और 16 मिनट का है ये मूवी आपको शुरू से लेकर एंड तक तो बांधे रखती है लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे पल हैं जो कि बार बार देखने के लिए मजबूर करते हैं कई बार दोस्तों हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसके हाव भाव लुक से हम जज कर लेते हैं कि अनपढ़ गवार होगा इसके पास दिमाग नहीं होगा लेकिन कहीं बार इसका उल्टा भी हो सकता है जैसा हम सोचते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है वो इंसान या तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान जेंटलमैन निकलता है या तो वो सच में पैसे वाला निकलता है खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में तो अगर दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये काफ़ी जगह पर आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी लेकिन आप इसे ऑफिशियली देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी वो भी बेहद ही अच्छी क्वालिटी में आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मगनेश हड़वाले हैं अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो बॉलीवुड में पहले भी कुछ मूवी दे रखी है लेकिन वो इनकी जो है इतनी कामयाब नहीं रही है लेकिन जो मलाल मूवी है वो काफ़ी जो है वो प्रचलित मूवी उनकी है हालांकि इन्हें जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्होंने बहुत सी मूवीज़ पहले बना रखी है जिनके लिए इन्हें अवार्ड भी काफ़ी मिले हुए हैं जैसे कि इनकी एक मूवी थी चलो जीते हैं 2018 की वो फिल्म थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था इसके अलावा तिंग्या तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के लिए इन्होंने जो है वो अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनकी कुछ मूवीज़ आपको यूट्यूब पर शायद देखने को मिल जाएंगी तो वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है इसमें दोस्तों कोई भी शक नहीं है और मनाल मूवी भी दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी डायरेक्ट की है दुर्भाग्य से ये मूवी दोस्तों वैसे फ्लॉप रही है लेकिन फिर भी ये मूवी दोस्तों देखने लायक है फिल्म के अंदर आपको मिजन जाफरी सरमिन सैगल प्राची कदम इसवक सिंह चिमाई सरवे सोनल जहा राधा सागर बद्री चवन नंदू इसके अलावा संजय गुरबक्सी, सुनील तावड़े कोमल चाबरिया समीर दीपक दामिनी भरत पहुजा ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और सबका काम दोस्तों वैसे तो काफ़ी बढ़िया है आपको ये कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं ये जो फ़िल्म थी वो दोस्तों वो वैसे तो हिंदी के अंदर रिलीज़ हुई थी लेकिन जो इसका पहले वाला वर्ज़न आया था जो ओरिजिनल वर्ज़न था उसे जो तमिल और तेलुगु दो भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल ही है लेकिन अगर आपको मलाल देखना है तो इसके लिए आपको शायद नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ही आपको जो है वो मिल जाएंगी फिल्म के अंदर वैसे दोस्तों काफ़ी कुछ आपको दिखाया गया है एक अच्छी कहानी भी आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलती है लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि ये मूवी फ्लॉप हुई वो शायद आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ अच्छी लगती है हो सकता है कि ये मूवी आपके लिए ब्लॉकबस्टर हो वहीं आपके दोस्त के लिए फ़्लॉप तो हर लोगों को अलग अलग तरह की फिल्में अच्छी लगती है तो आप उस हिसाब से जो फैसला कर सकते हैं ऐसी कहानियाँ हम हिंदी फिल्मों में कई बार देख चुके होंगे जहाँ पर प्यार के दुश्मन तो अमीरी गरीबी होती है या फिर जात पात होता है और मलाल के अंदर भी आपको चौल में रहने वाले टपोरी और बदमाश लड़के शिवा और वहाँ रहने वाले जो एक नई लड़की आती है आस्था चौधरी इनका जो प्यार है इनके बीच की कहानियाँ आपको दर्शाते हैं साथ ही में उनका जो बैकग्राउंड वो भी काफ़ी दोस्तों बढ़िया आपको दिखाया गया है शिव टेहरा चौल में पला बड़ा जो गुंडे करने वाला लड़का और आस्था जो कि ताल्लुक स्टॉक मार्केट से और ऐसे परिवार से रखती है जिनका पिता काफ़ी अमीर हुआ करता था मगर स्टॉक मार्केट के अंदर घाटा होने के बाद उन्हें जो है चौल में रहने के लिए आना पड़ता है शुरुआत के अंदर सिवा आस्था जो कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं मगर धीरे दिर धीरे फिर इन दोनों के बीच में मासूम और दूसरे की मदद करने वाला स्वभाव भी आ जाता है जहाँ आस्था के घरवाले उसकी मंगनी विदेश से लौटे अमीर लड़के से कर चुके होते हैं सिवा यहाँ पर आस्था को टूट चाहने लगता है और वह जो है उसके लिए अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार होता है और वह आस्था के प्यार में अपनी ज़िंदगी की जो दिशा है और दशा है वो दोनों ही बदल देता है मगर तभी उन दोनों के बीच में प्यार का एक ऐसा नया दुश्मन पैदा हो जाता है जिनके आगे दोनों बेबस हो जाते हैं तो आखिरकार उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था ये तो आपको फिल्म के अंदर ही दिखाया गया है तो इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेंगी और अगर आप टी वी पर देखना चाहते हैं तो ये पहले तो सोनी मैक्स में आती थी हो सकता है कि अब और कोई टी वी चैनल के ऊपर आती हो आज एक और रोमांटिक मूवी के बारे में दोस्तों बात करेंगे जिसका क्लिप शायद आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा और आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसकी वजह भी शायद कोई रील्स या फिर कोई क्लिप हो सकती है चलिए मैं आपको फिल्म के बारे में बताता हूँ कहाँ पर यह मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो बताऊँगा ही साथ ही में क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फिल्म दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है और मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टार कास्टिंग भी देखने को मिलती है अगर फ़िल्म की रेटिंग की बात करें तो जो आई है वहाँ पर टर्न आउट ऑफ लगभग सिक्स की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इस मूवी को फिफ्टी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक भी किया हुआ है और जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छे लाइक मिले हुए हैं ये मूवी दोस्तों ऑफिशियल रीमेक है सेवन जी रैमबो कॉलोनी का जो कि एक बढ़िया फ़िल्म रही थी और दर्शकों को वो मूवी काफ़ी पसंद भी आई थी आप में से बहुत लोगों ने शायद उस फिल्म को देखा होगा क्योंकि वो यूटूब पर भी अवेलेबल है लेकिन उसका हिंदी वर्ज़न आपको यूटूब पर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोगों को जो है इसका हिंदी वर्जन देखना है तो आपको इसका रीमेक वर्ज़न यानी कि मलाल देखना पड़ेगा मलाल जो कि 2019 की रोमांस एक्शन बेस्ड मूवी है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और 16 मिनट का है ये मूवी आपको शुरू से लेकर एंड तक तो बांधे रखती है लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे पल हैं जो कि बार बार देखने के लिए मजबूर करते हैं कई बार दोस्तों हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसके हाव भाव लुक से हम जज कर लेते हैं कि ये अनपढ़ गवार होगा इसके पास दिमाग नहीं होगा लेकिन कहीं बार इसका उल्टा भी हो सकता है जैसा हम सोचते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है वो इंसान या तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान जेंटलमैन निकलता है या तो वो सच में पैसे वाला निकलता है खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में तो अगर दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये काफ़ी जगह पर आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी लेकिन आप इसे ऑफिशियली देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी तो वो भी बेहद ही अच्छी क्वालिटी में आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मगनेश हड़वाले हैं अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो बॉलीवुड में पहले भी कुछ मूवी दे रखी है लेकिन वो इनकी जो है इतनी कामयाब नहीं रही है लेकिन जो मलाल मूवी है वो काफ़ी जो है वो प्रचलित मूवी उनकी है हालांकि इन्हें जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्होंने बहुत सी मूवीज़ पहले बना रखी है जिनके लिए इन्हें अवार्ड भी काफ़ी मिले हुए हैं और जैसे कि इनकी एक मूवी थी चलो जीते हैं 2018 की वो फ़िल्म थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था इसके अलावा तिंग्या तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के लिए इन्होंने जो है वो अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनकी कुछ मूवीज़ आपको यूट्यूब पर शायद देखने को मिल जाएंगी तो वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसमें दोस्तों कोई भी शक नहीं है और मनाल मूवी भी दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी डायरेक्ट की है दुर्भाग्य से ये मूवी दोस्तों वैसे फ्लॉप रही है लेकिन फिर भी ये मूवी दोस्तों देखने लायक है फिल्म के अंदर आपको मिजन जाफरी सरमिन सैगल प्राची कदम इसवक सिंह चिमाई सरवे सोनल जहा राधा सागर बद्री चवन नंदू इसके अलावा संजय गुरबक्सी, सुनील तावड़े कोमल चाबरिया समीर दीपक दामिनी भरत पहुजा ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और सबका काम दोस्तों वैसे तो काफ़ी बढ़िया है आपको ये कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं ये जो फ़िल्म थी वो दोस्तों वो वैसे तो हिंदी के अंदर रिलीज़ हुई थी लेकिन जो इसका पहले वाला वर्जन आया था जो ओरिजिनल वर्ज़न था उसे जो तमिल और तेलुगु दो भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल ही है लेकिन अगर आपको मलाल देखना है तो इसके लिए आपको शायद नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ही आपको जो है वो मिल जाएंगी फिल्म के अंदर वैसे दोस्तों काफ़ी कुछ आपको दिखाया गया है एक अच्छी कहानी भी आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलती है लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि ये मूवी फ्लॉप हुई वो शायद आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ अच्छी लगती है हो सकता है कि ये मूवी आपके लिए ब्लॉकबस्टर हो वहीं आपके दोस्त के लिए फ़्लॉप तो हर लोगों को अलग अलग तरह की फिल्में अच्छी लगती है तो आप उस हिसाब से जो फैसला कर सकते हैं ऐसी कहानियाँ हम हिंदी फिल्मों में कई बार देख चुके होंगे जहाँ पर प्यार के दुश्मन तो अमीरी गरीबी होती है या फिर जात पात होता है और मलाल के अंदर भी आपको चौल में रहने वाले टपोरी और बदमाश लड़के शिवा और वहाँ रहने वाले जो एक नई लड़की आती है आस्था चौधरी इनका जो प्यार है इनके बीच की कहानियाँ आपको दर्शाते हैं साथ ही में उनका जो बैकग्राउंड वो भी काफ़ी दोस्तों बढ़िया आपको दिखाया गया है शिव टेहरा चौल में पला बड़ा जो गुंडे करने वाला लड़का और आस्था जो कि ताल्लुक स्टॉक मार्केट से और ऐसे परिवार से रखती है जिनका पिता काफ़ी अमीर हुआ करता था मगर स्टॉक मार्केट के अंदर घाटा होने के बाद उन्हें जो है चौल में रहने के लिए आना पड़ता है शुरुआत के अंदर सिवा आस्था जो कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं मगर धीरे दिर धीरे फिर इन दोनों के बीच में मासूम और दूसरे की मदद करने वाला स्वभाव भी आ जाता है जहाँ आस्था के घर वाले उसकी मंगनी विदेश से लौटे अमीर लड़के से कर चुके होते हैं सिवा यहाँ पर आस्था को टूट कर चाहने लगता है और वह जो है उसके लिए अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार होता है और वह आस्था के प्यार में अपनी ज़िंदगी की जो दिशा है और दशा है वो दोनों ही बदल देता है मगर तभी उन दोनों के बीच में प्यार का एक ऐसा नया दुश्मन पैदा हो जाता है जिनके आगे दोनों बेबस हो जाते हैं तो आखिरकार उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था ये तो आपको फिल्म के अंदर ही दिखाया गया है तो इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेंगी और अगर आप टीवी पर देखना चाहते हैं तो ये पहले तो इस्टॉडी बैग्स में आती थी हो सकता है कि अब और कोई टीवी चैनल के ऊपर आती हो आज एक और रोमांटिक मूवी के बारे में दोस्तों बात करेंगे जिसका क्लिप शायद आप लोगों कभी ने कभी ना कभी देखा ही होगा और आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसकी वजह भी शायद कोई रील्स या फिर कोई क्लिप हो सकती है चलिए मैं आपको फिल्म के बारे में बताता हूँ कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो बताऊँगा ही साथ ही में क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फ़िल्म दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है और मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टार कास्टिंग भी देखने को मिलती है अगर फ़िल्म की रेटिंग की बात करें तो जो आई है वहाँ पर टर्न आउट ऑफ लगभग सिक्स की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इस मूवी को फिफ्टी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक भी किया हुआ है और जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छे लाइक मिले हुए हैं ये मूवी दोस्तों ऑफिशियल रीमेक है सेवन जी रैमबो कॉलोनी का जो कि एक बढ़िया फ़िल्म रही थी और दर्शकों को वो मूवी काफ़ी पसंद भी आई थी आप में से बहुत लोगों ने शायद उस फिल्म को देखा होगा क्योंकि वो यूटूब पर भी अवेलेबल है लेकिन उसका हिंदी वर्ज़न आपको यूटूब पर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोगों को जो है इसका हिंदी वर्जन देखना है तो आपको इसका रीमेक वर्ज़न यानी कि मलाल देखना पड़ेगा मलाल जो कि 2019 की रोमांस एक्शन बेस्ड मूवी है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और 16 मिनट का है ये मूवी आपको शुरू से लेकर एंड तक तो बांधे रखती है लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे पल हैं जो कि बार बार देखने के लिए मजबूर करते हैं कई बार दोस्तों हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसके हाव भाव लुक से हम जज कर लेते हैं कि ये अनपढ़ गवार होगा इसके पास दिमाग नहीं होगा लेकिन कहीं बार इसका उल्टा भी हो सकता है जैसा हम सोचते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है वो इंसान या तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान जेंटलमैन निकलता है या तो वो सच में पैसे वाला निकलता है खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में तो अगर दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये काफ़ी जगह पर आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी लेकिन आप इसे ऑफिशियली देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी तो वो भी बेहद ही अच्छी क्वालिटी में आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मगनेश हड़वाले हैं अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो बॉलीवुड में पहले भी कुछ मूवी दे रखी है लेकिन वो इनकी जो है इतनी कामयाब नहीं रही है लेकिन जो मलाल मूवी है वो काफ़ी जो है वो प्रचलित मूवी उनकी है हालांकि इन्हें जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्होंने बहुत सी मूवीज़ पहले बना रखी है जिनके लिए इन्हें अवार्ड भी काफ़ी मिले हुए हैं और जैसे कि इनकी एक मूवी थी चलो जीते हैं 2018 की वो फिल्म थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था इसके अलावा तिंग्या तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के लिए इन्होंने जो है वो अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनकी कुछ मूवीज़ आपको यूट्यूब पर शायद देखने को मिल जाएंगी तो वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसमें दोस्तों कोई भी शक नहीं है और मनाल मूवी भी दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी डायरेक्ट की है दुर्भाग्य से ये मूवी दोस्तों वैसे फ्लॉप रही है लेकिन फिर भी ये मूवी दोस्तों देखने लायक है फिल्म के अंदर आपको मिजन जाफरी सरमिन सैगल प्राची कदम इसवक सिंह चिमाई सरवे सोनल जहा राधा सागर बद्री चवन नंदू इसके अलावा संजय गुरबक्सी, सुनील तावड़े कोमल चाबरिया समीर दीपक दामिनी भरत पहुजा ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और सबका काम दोस्तों वैसे तो काफ़ी बढ़िया है आपको ये कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं ये जो फ़िल्म थी वो दोस्तों वो वैसे तो हिंदी के अंदर रिलीज़ हुई थी लेकिन जो इसका पहले वाला वर्जन आया था जो ओरिजिनल वर्ज़न था उसे जो तमिल और तेलुगु दो भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल ही है लेकिन अगर आपको मलाल देखना है तो इसके लिए आपको शायद नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ही आपको जो है वो मिल जाएंगी फिल्म के अंदर वैसे दोस्तों काफ़ी कुछ आपको दिखाया गया है एक अच्छी कहानी भी आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलती है लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि ये मूवी फ्लॉप हुई वो शायद आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ अच्छी लगती है हो सकता है कि ये मूवी आपके लिए ब्लॉकबस्टर हो वहीं आपके दोस्त के लिए फ़्लॉप तो हर लोगों को अलग अलग तरह की फिल्में अच्छी लगती है तो आप उस हिसाब से जो फैसला कर सकते हैं ऐसी कहानियाँ हम हिंदी फिल्मों में कई बार देख चुके होंगे जहाँ पर प्यार के दुश्मन तो अमीरी गरीबी होती है या फिर जात पात होता है और मलाल के अंदर भी आपको चौल में रहने वाले टपोरी और बदमाश लड़के शिवा और वहाँ रहने वाले जो एक नई लड़की आती है आस्था चौधरी इनका जो प्यार है इनके बीच की कहानियाँ आपको दर्शाते हैं साथ ही में उनका जो बैकग्राउंड वो भी काफ़ी दोस्तों बढ़िया आपको दिखाया गया है शिव टेहरा चौल में पला बड़ा जो गुंडे करने वाला लड़का और आस्था जो कि ताल्लुक स्टॉक मार्केट से और ऐसे परिवार से रखती है जिनका पिता काफ़ी अमीर हुआ करता था मगर स्टॉक मार्केट के अंदर घाटा होने के बाद उन्हें जो है चौल में रहने के लिए आना पड़ता है शुरुआत के अंदर सिवा आस्था जो कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं मगर धीरे दिर धीरे फिर इन दोनों के बीच में मासूम और दूसरे की मदद करने वाला स्वभाव भी आ जाता है जहाँ आस्था के घर वाले उसकी मंगनी विदेश से लौटे अमीर लड़के से कर चुके होते हैं सिवा यहाँ पर आस्था को टूट कर चाहने लगता है और वह जो है उसके लिए अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार होता है और वह आस्था के प्यार में अपनी ज़िंदगी की जो दिशा है और दशा है वो दोनों ही बदल देता है मगर तभी उन दोनों के बीच में प्यार का एक ऐसा नया दुश्मन पैदा हो जाता है जिनके आगे दोनों बेबस हो जाते हैं तो आखिरकार उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था ये तो आपको फिल्म के अंदर ही दिखाया गया है तो इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको डेट पर मिलेंगी और अगर आप टीवी पर देखना चाहते हैं तो ये पहले तो इस्टॉरी बैग्स में आती थी हो सकता है कि अब और कोई टीवी चैनल के ऊपर आती हो आज एक और रोमांटिक मूवी के बारे में दोस्तों बात करेंगे जिसका क्लिप शायद आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा और आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसकी वजह भी शायद कोई रील्स या फिर कोई क्लिप हो सकती है चलिए मैं आपको फिल्म के बारे में बताता हूँ कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो बताऊंगा ही साथ ही में क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फ़िल्म दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है और मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टार कास्टिंग भी देखने को मिलती है अगर फ़िल्म की रेटिंग की बात करें तो जो आई है वहाँ पर टर्न आउट ऑफ लगभग सिक्स की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इस मूवी को फिफ्टी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक भी किया हुआ है और जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छे लाइक मिले हुए हैं ये मूवी दोस्तों ऑफिशियल रीमेक है सेवन जी रैमबो कॉलोनी का जो कि एक बढ़िया फ़िल्म रही थी और दर्शकों को वो मूवी काफ़ी पसंद भी आई थी आप में से बहुत लोगों ने शायद उस फिल्म को देखा होगा क्योंकि वो यूटूब पर भी अवेलेबल है लेकिन उसका हिंदी वर्ज़न आपको यूटूब पर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोगों को जो है इसका हिंदी वर्जन देखना है तो आपको इसका रीमेक वर्ज़न यानी कि मलाल देखना पड़ेगा मलाल जो कि 2019 की रोमांस एक्शन बेस्ड मूवी है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और 16 मिनट का है ये मूवी आपको शुरू से लेकर एंड तक तो बांधे रखती है लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे पल हैं जो कि बार बार देखने के लिए मजबूर करते हैं कई बार दोस्तों हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसके हाव भाव लुक से हम जज कर लेते हैं कि ये अनपढ़ गवार होगा इसके पास दिमाग नहीं होगा लेकिन कहीं बार इसका उल्टा भी हो सकता है जैसा हम सोचते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है वो इंसान या तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान जेंटलमैन निकलता है या तो वो सच में पैसे वाला निकलता है खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में तो अगर दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये काफ़ी जगह पर आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी लेकिन आप इसे ऑफिशियली देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी तो वो भी बेहद ही अच्छी क्वालिटी में आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मगनेश हड़वाले हैं अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो बॉलीवुड में पहले भी कुछ मूवी दे रखी है लेकिन वो इनकी जो है इतनी कामयाब नहीं रही है लेकिन जो मलाल मूवी है वो काफ़ी जो है वो प्रचलित मूवी उनकी है हालांकि इन्हें जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्होंने बहुत सी मूवीज़ पहले बना रखी है जिनके लिए इन्हें अवार्ड भी काफ़ी मिले हुए हैं और जैसे कि इनकी एक मूवी थी चलो जीते हैं 2018 की वो फ़िल्म थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था इसके अलावा तिंग्या तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के लिए इन्होंने जो है वो अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनकी कुछ मूवीज़ आपको यूट्यूब पर शायद देखने को मिल जाएंगी तो वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है इसमें दोस्तों कोई भी शक नहीं है और मनाल मूवी भी दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी डायरेक्ट की है दुर्भाग्य से ये मूवी दोस्तों वैसे फ्लॉप रही है लेकिन फिर भी ये मूवी दोस्तों देखने लायक है फिल्म के अंदर आपको मिजन जाफरी सरमिन सैगल प्राची कदम इसवक सिंह चिमाई सरवे सोनल जहा राधा सागर बद्री चवन नंदू इसके अलावा संजय गुरबक्सी, सुनील तावड़े कोमल चाबरिया समीर दीपक दामिनी भरत पहुजा ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और सबका काम दोस्तों वैसे तो काफ़ी बढ़िया है आपको ये कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं ये जो फ़िल्म थी वो दोस्तों वो वैसे तो हिंदी के अंदर रिलीज़ हुई थी लेकिन जो इसका पहले वाला वर्जन आया था जो ओरिजिनल वर्ज़न था उसे जो तमिल और तेलुगु दो भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल ही है लेकिन अगर आपको मलाल देखना है तो इसके लिए आपको शायद नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ही आपको जो है वो मिल जाएंगी फिल्म के अंदर वैसे दोस्तों काफ़ी कुछ आपको दिखाया गया है एक अच्छी कहानी भी आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलती है लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि ये मूवी फ्लॉप हुई वो शायद आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ अच्छी लगती है हो सकता है कि ये मूवी आपके लिए ब्लॉकबस्टर हो वहीं आपके दोस्त के लिए फ़्लॉप तो हर लोगों को अलग अलग तरह की फिल्में अच्छी लगती है तो आप उस हिसाब से जो फैसला कर सकते हैं ऐसी कहानियाँ हम हिंदी फिल्मों में कई बार देख चुके होंगे जहाँ पर प्यार के दुश्मन तो अमीरी गरीबी होती है या फिर जात पात होता है और मलाल के अंदर भी आपको चौल में रहने वाले टपोरी और बदमाश लड़के शिवा और वहाँ रहने वाले जो एक नई लड़की आती है आस्था चौधरी इनका जो प्यार है इनके बीच की कहानियाँ आपको दर्शाते हैं साथ ही में उनका जो बैकग्राउंड वो भी काफ़ी दोस्तों बढ़िया आपको दिखाया गया है शिव टेहरा चौल में पला बड़ा जो गुंडे करने वाला लड़का और आस्था जो कि ताल्लुक स्टॉक मार्केट से और ऐसे परिवार से रखती है जिनका पिता काफ़ी अमीर हुआ करता था मगर स्टॉक मार्केट के अंदर घाटा होने के बाद उन्हें जो है चौल में रहने के लिए आना पड़ता है शुरुआत के अंदर सिवा आस्था जो कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं मगर धीरे दिर धीरे फिर इन दोनों के बीच में मासूम और दूसरे की मदद करने वाला स्वभाव भी आ जाता है जहाँ आस्था के घर वाले उसकी मंगनी विदेश से लौटे अमीर लड़के से कर चुके होते हैं सिवा यहाँ पर आस्था को टूट कर चाहने लगता है और वह जो है उसके लिए अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार होता है और वह आस्था के प्यार में अपनी ज़िंदगी की जो दिशा है और दशा है वो दोनों ही बदल देता है मगर तभी उन दोनों के बीच में प्यार का एक ऐसा नया दुश्मन पैदा हो जाता है जिनके आगे दोनों बेबस हो जाते हैं तो आखिरकार उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था ये तो आपको फिल्म के अंदर ही दिखाया गया है तो इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको डेट पर मिलेंगी और अगर आप टीवी पर देखना चाहते हैं तो ये पहले तो इस्टॉडी बैग्स में आती थी हो सकता है कि अब और कोई टीवी चैनल के ऊपर आती हो आज एक और रोमांटिक मूवी के बारे में दोस्तों बात करेंगे जिसका क्लिप शायद आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा और आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसकी वजह भी शायद कोई रील्स या फिर कोई क्लिप हो सकती है चलिए मैं आपको फिल्म के बारे में बताता हूँ कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो बताऊंगा ही साथ ही में क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फ़िल्म दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है और मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टार कास्टिंग भी देखने को मिलती है अगर फ़िल्म की रेटिंग की बात करें तो जो आई है वहाँ पर टर्न आउट ऑफ लगभग सिक्स की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इस मूवी को फिफ्टी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक भी किया हुआ है और जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छे लाइक मिले हुए हैं ये मूवी दोस्तों ऑफिशियल रीमेक है सेवन जी रैमबो कॉलोनी का जो कि एक बढ़िया फ़िल्म रही थी और दर्शकों को वो मूवी काफ़ी पसंद भी आई थी आप में से बहुत लोगों ने शायद उस फिल्म को देखा होगा क्योंकि वो यूटूब पर भी अवेलेबल है लेकिन उसका हिंदी वर्ज़न आपको यूटूब पर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोगों को जो है इसका हिंदी वर्जन देखना है तो आपको इसका रीमेक वर्ज़न यानी कि मलाल देखना पड़ेगा मलाल जो कि 2019 की रोमांस एक्शन बेस्ड मूवी है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और 16 मिनट का है ये मूवी आपको शुरू से लेकर एंड तक तो बांधे रखती है लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे पल हैं जो कि बार बार देखने के लिए मजबूर करते हैं कई बार दोस्तों हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसके हाव भाव लुक से हम जज कर लेते हैं कि ये अनपढ़ गवार होगा इसके पास दिमाग नहीं होगा लेकिन कहीं बार इसका उल्टा भी हो सकता है जैसा हम सोचते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है वो इंसान या तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान जेंटलमैन निकलता है या तो वो सच में पैसे वाला निकलता है खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में तो अगर दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये काफ़ी जगह पर आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी लेकिन आप इसे ऑफिशियली देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी तो वो भी बेहद ही अच्छी क्वालिटी में आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मगनेश हड़वाले हैं अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो बॉलीवुड में पहले भी कुछ मूवी दे रखी है लेकिन वो इनकी जो है इतनी कामयाब नहीं रही है लेकिन जो मलाल मूवी है वो काफ़ी जो है वो प्रचलित मूवी उनकी है हालांकि इन्हें जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्होंने बहुत सी मूवीज़ पहले बना रखी है जिनके लिए इन्हें अवार्ड भी काफ़ी मिले हुए हैं और जैसे कि इनकी एक मूवी थी चलो जीते हैं 2018 की वो फ़िल्म थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था इसके अलावा तिंग्या तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के लिए इन्होंने जो है वो अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनकी कुछ मूवीज़ आपको यूट्यूब पर शायद देखने को मिल जाएंगी तो वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है इसमें दोस्तों कोई भी शक नहीं है और मनाल मूवी भी दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी डायरेक्ट की है दुर्भाग्य से ये मूवी दोस्तों वैसे फ्लॉप रही है लेकिन फिर भी ये मूवी दोस्तों देखने लायक है फिल्म के अंदर आपको मिजन जाफरी सरमिन सैगल प्राची कदम इसवक सिंह चिमाई सरवे सोनल जहा राधा सागर बद्री चवन नंदू इसके अलावा संजय गुरबक्सी, सुनील तावड़े कोमल चाबरिया समीर दीपक दामिनी भरत पहुजा ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और सबका काम दोस्तों वैसे तो काफ़ी बढ़िया है आपको ये कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं ये जो फ़िल्म थी वो दोस्तों वो वैसे तो हिंदी के अंदर रिलीज़ हुई थी लेकिन जो इसका पहले वाला वर्जन आया था जो ओरिजिनल वर्ज़न था उसे जो तमिल और तेलुगु दो भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल ही है लेकिन अगर आपको मलाल देखना है तो इसके लिए आपको शायद नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ही आपको जो है वो मिल जाएंगी फिल्म के अंदर वैसे दोस्तों काफ़ी कुछ आपको दिखाया गया है एक अच्छी कहानी भी आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलती है लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि ये मूवी फ्लॉप हुई वो शायद आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ अच्छी लगती है हो सकता है कि ये मूवी आपके लिए ब्लॉकबस्टर हो वहीं आपके दोस्त के लिए फ़्लॉप तो हर लोगों को अलग अलग तरह की फिल्में अच्छी लगती है तो आप उस हिसाब से जो फैसला कर सकते हैं ऐसी कहानियाँ हम हिंदी फिल्मों में कई बार देख चुके होंगे जहाँ पर प्यार के दुश्मन तो अमीरी गरीबी होती है या फिर जात पात होता है और मलाल के अंदर भी आपको चौल में रहने वाले टपोरी और बदमाश लड़के शिवा और वहाँ रहने वाले जो एक नई लड़की आती है आस्था चौधरी इनका जो प्यार है इनके बीच की कहानियाँ आपको दर्शाते हैं साथ ही में उनका जो बैकग्राउंड वो भी काफ़ी दोस्तों बढ़िया आपको दिखाया गया है शिव टेहरा चौल में पला बड़ा जो गुंडे करने वाला लड़का और आस्था जो कि ताल्लुक स्टॉक मार्केट से और ऐसे परिवार से रखती है जिनका पिता काफ़ी अमीर हुआ करता था मगर स्टॉक मार्केट के अंदर घाटा होने के बाद उन्हें जो है जॉल में रहने के लिए आना पड़ता है शुरुआत के अंदर सिवा आस्था जो कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं मगर धीरे दिर धीरे फिर इन दोनों के बीच में मासूम और दूसरे की मदद करने वाला स्वभाव भी आ जाता है जहाँ आस्था के घर वाले उसकी मंगनी विदेश से लौटे अमीर लड़के से कर चुके होते हैं सिवा यहाँ पर आस्था को टूट कर चाहने लगता है और वह जो है उसके लिए अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार होता है और वह आस्था के प्यार में अपनी ज़िंदगी की जो दिशा है और दशा है वो दोनों ही बदल देता है मगर तभी उन दोनों के बीच में प्यार का एक ऐसा नया दुश्मन पैदा हो जाता है जिनके आगे दोनों बेबस हो जाते हैं तो आखिरकार उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था ये तो आपको फिल्म के अंदर ही दिखाया गया है तो इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको डेट पर मिलेंगी और अगर आप, आप टीवी पर देखना चाहते हैं तो ये पहले तो इस्टॉरी बैग्स में आती थी हो सकता है कि अब और कोई टीवी चैनल के ऊपर आती हो आज एक और रोमांटिक मूवी के बारे में दोस्तों बात करेंगे जिसका क्लिप शायद आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा और आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसकी वजह भी शायद कोई रील्स या फिर कोई क्लिप हो सकती है चलिए मैं आपको फिल्म के बारे में बताता हूँ कहाँ पर यह मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो बताऊंगा ही साथ ही में क्या ये मूवी यूट्यूब पर है या फिर नहीं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फ़िल्म दोस्तों काफ़ी बढ़िया बनाई गई है और मूवी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्टार कास्टिंग भी देखने को मिलती है अगर फ़िल्म की रेटिंग की बात करें तो जो आई है वहाँ पर टर्न आउट ऑफ लगभग सिक्स की रेटिंग मिली हुई है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर इस मूवी को फिफ्टी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक भी किया हुआ है और जो रोट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को काफ़ी अच्छे लाइक मिले हुए हैं ये मूवी दोस्तों ऑफिशियल रीमेक है सेवन जी रैमबो कॉलोनी का जो कि एक बढ़िया फ़िल्म रही थी और दर्शकों को वो मूवी काफ़ी पसंद भी आई थी आप में से बहुत लोगों ने शायद उस फिल्म को देखा होगा क्योंकि वो यूटूब पर भी अवेलेबल है लेकिन उसका हिंदी वर्ज़न आपको यूटूब पर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोगों को जो है इसका हिंदी वर्जन देखना है तो आपको इसका रीमेक वर्ज़न यानी कि मलाल देखना पड़ेगा मलाल जो कि 2019 की रोमांस एक्शन बेस्ड मूवी है जिसका रन टाइम लगभग दो घंटे और 16 मिनट का है ये मूवी आपको शुरू से लेकर एंड तक तो बांधे रखती है लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे पल हैं जो कि बार बार देखने के लिए मजबूर करते हैं कई बार दोस्तों हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसके हाव भाव लुक से हम जज कर लेते हैं कि ये अनपढ़ गवार होगा इसके पास दिमाग नहीं होगा लेकिन कहीं बार इसका उल्टा भी हो सकता है जैसा हम सोचते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है वो इंसान या तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान जेंटलमैन निकलता है या तो वो सच में पैसे वाला निकलता है खैर अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में तो अगर दोस्तों आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये काफ़ी जगह पर आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी लेकिन आप इसे ऑफिशियली देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे जी हाँ दोस्तों ये जो फिल्म है वो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी तो वो भी बेहद ही अच्छी क्वालिटी में आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं और इस फिल्म के अंदर जो डायरेक्टर है वो मगनेश हड़वाले हैं अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो बॉलीवुड में पहले भी कुछ मूवी दे रखी है लेकिन वो इनकी जो है इतनी कामयाब नहीं रही है लेकिन जो मलाल मूवी है वो काफ़ी जो है वो प्रचलित मूवी उनकी है हालांकि इन्हें जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्होंने बहुत सी मूवीज़ पहले बना रखी है जिनके लिए इन्हें अवार्ड भी काफ़ी मिले हुए हैं और जैसे कि इनकी एक मूवी थी चलो जीते हैं 2018 की वो फ़िल्म थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था इसके अलावा तिंग्या तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के लिए इन्होंने जो है वो अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनकी कुछ मूवीज़ आपको यूट्यूब पर शायद देखने को मिल जाएंगी तो वो एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर है इसमें दोस्तों कोई भी शक नहीं है और मनाल मूवी भी दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी डायरेक्ट की है दुर्भाग्य से ये मूवी दोस्तों वैसे फ्लॉप रही है लेकिन फिर भी ये मूवी दोस्तों देखने लायक है फिल्म के अंदर आपको मिजन जाफरी सरमिन सैगल प्राची कदम इसवक सिंह चिमाई सरवे सोनल जहा राधा सागर बद्री चवन नंदू इसके अलावा संजय गुरबक्सी, सुनील तावड़े कोमल चाबरिया समीर दीपक दामिनी भरत पहुजा ऐसे बहुत सारे किरदार जो है वो देखने को मिल जाते हैं और सबका काम दोस्तों वैसे तो काफ़ी बढ़िया है आपको ये कहीं पर भी निराश नहीं करते हैं ये जो फ़िल्म थी वो दोस्तों वो वैसे तो हिंदी के अंदर रिलीज़ हुई थी लेकिन जो इसका पहले वाला वर्जन आया था जो ओरिजिनल वर्ज़न था उसे जो तमिल और तेलुगु दो भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया था इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल ही है लेकिन अगर आपको मलाल देखना है तो इसके लिए आपको शायद नेटफ्लिक्स पर ही जाना पड़ेगा जहाँ पर ही आपको जो है वो मिल जाएंगी फिल्म के अंदर वैसे दोस्तों काफ़ी कुछ आपको दिखाया गया है एक अच्छी कहानी भी आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलती है लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि ये मूवी फ्लॉप हुई वो शायद आपको मूवी देखने के बाद मालूम पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को अलग अलग तरह की मूवीज़ अच्छी लगती है हो सकता है कि ये मूवी आपके लिए ब्लॉकबस्टर हो वहीं आपके दोस्त के लिए फ़्लॉप तो हर लोगों को अलग अलग तरह की फिल्में अच्छी लगती है तो आप उस हिसाब से जो फैसला कर सकते हैं ऐसी कहानियाँ हम हिंदी फिल्मों में कई बार देख चुके होंगे जहाँ पर प्यार के दुश्मन तो अमीरी गरीबी होती है या फिर जात पात होता है और मलाल के अंदर भी आपको चौल में रहने वाले टपोरी और बदमाश लड़के शिवा और वहाँ रहने वाले जो एक नई लड़की आती है आस्था चौधरी इनका जो प्यार है इनके बीच की कहानियाँ आपको दर्शाते हैं साथ ही में उनका जो बैकग्राउंड वो भी काफ़ी दोस्तों बढ़िया आपको दिखाया गया है शिव टेहरा चौल में पला बड़ा जो गुंडे करने वाला लड़का और आस्था जो कि ताल्लुक स्टॉक मार्केट से और ऐसे परिवार से रखती है जिनका पिता काफ़ी अमीर हुआ करता था मगर स्टॉक मार्केट के अंदर घाटा होने के बाद उन्हें जो है जॉल में रहने के लिए आना पड़ता है शुरुआत के अंदर सिवा आस्था जो कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं मगर धीरे दिर धीरे फिर इन दोनों के बीच में मासूम और दूसरे की मदद करने वाला स्वभाव भी आ जाता है जहाँ आस्था के घर वाले उसकी मंगनी विदेश से लौटे अमीर लड़के से कर चुके होते हैं सिवा यहाँ पर आस्था को टूट कर चाहने लगता है और वह जो है उसके लिए अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार होता है और वह आस्था के प्यार में अपनी ज़िंदगी की जो दिशा है और दशा है वो दोनों ही बदल देता है मगर तभी उन दोनों के बीच में प्यार का एक ऐसा नया दुश्मन पैदा हो जाता है जिनके आगे दोनों बेबस हो जाते हैं तो आखिरकार उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था ये तो आपको फिल्म के अंदर ही दिखाया गया है तो इस मूवी को देखिए ये मूवी आपको डेट पर मिलेंगी और अगर आप टीवी पर देखना चाहते हैं तो ये पहले तो इस बैग्स में आती थी हो सकता है कि अब और कोई टीवी चैनल के ऊपर आती हो